Uh, हमारा जो डीएनए है वो हमारी एंसेस्टर का ही डीएनए है हम हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो हम लोग हमारे एंसेस्टर्स के ही एक्सटेंडेड डीएनए है तो जो भी उनके जो उनके टैलेंट्स हैं वो हमारे अंदर होंगे जो उनके बिलीव्स हैं वो हमारे अंदर होंगे जो उनके नो आ, आ, हो सकता है कि, कि किसी ने अगर किसी की फैमिली को कर्स किया है तो वो एंसेस्ट्रल चला आ रहा है तो वो सब के जो हीलिंग है वो तमिली कंसुलेशन से होती है एक टाइप अगेन जी मतलब आपने तो पूरा बता दिया फिर तो, <laughs> तो ना फिर हमको अब क्लास करने की क्या जरूरत है नहीं नहीं मैम वो कैसे करते हैं क्या करते हैं क्या इन्वॉल्व है वो नहीं पता ना <laughs> कैसे करते हैं क्या करते हैं वो तो अपने आप हम प्रोसेस बना सकते हैं है ना जब हमको उसका सार पता है उसका मतलब पता है कि वो क्या है राइट right? वो इम्पोर्टेंट चीज है है ना करेक्ट यस कोर्स उसमें थ्योरी है उसके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जैसे हर एक चीज के होते हैं अपने आ, कुछ आ, आ, फ्लो होता है एनर्जी का है ना करेक्ट अभी जैसे आप रेक... गुलामा फिरा सीखते हो अलीम सीखते हो तो उसमें आपके सिंबल्स हैं तौर तरीका है किस तरह से आप किसी को हीलिंग uh, भेजोगे या हीलिंग uh, किस तरह से ब्लॉकेज देखोगे किस तरह से कोई इशू है तो कैसे देखोगे तो उसी तरह से इवन फैमिली कॉन्स्टलेशन के अंदर ऑफ कोर्स एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरह से वो चीज दिखाई देती है और कैसे उसको रिजोल्व की जाती है yeah. Yeah. So, बहुत अच्छी बात है आपने जो बताया फैमिली कॉन्सलेशन के बारे में कि वी आर द एक्सटेंडेड डीएनए ऑफ आर फैमिली राइट सो हम सब के अंदर फैमिली की छाप है फैमिली के पैटर्न्स हैं बिलीव्स हैं अंडरस्टैंडिंग है, कर्सेस भी आ, हम तक आते हैं राइट right? तो सब कुछ हम तक और हमारे आगे भी पहुँचेगा ही आ, पर वो क्यों आ रहा है कहाँ से आ रहा है किस लिए आ रहा है किस वजह से आ रहा है अगर हम उसको ढूंढ पाए समझ पाए देख पाए तो हम उसको बदल सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं राइट राइट सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थेरेपी और बहुत ही सरल uh, थेरेपी है ऐसा नहीं है कि इस थेरेपी में कुछ uh, just a minute. कोई बहुत आई मीन डिफिकल्ट वर्ड्स या डिफिकल्ट चीजें ऐसा कुछ नहीं है लेकिन उसके बावजूद जब आप एक बार एक चीज समझ जाते हो तो आप उसको सुधार सकते हो राइट सो जैसे कि हम वर्ड देख रहे हैं फैमिली कॉन्स्टुलेशन है ना करेक्ट सो so, ऑब्वियसली इसका मतलब ये फैमिली से कंसर्न है सो so, ये एक आप कह सकते हो कि कंसर्नड है मतलब सिर्फ ये नहीं कि इसके अंदर जो चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं वो फैमिली की हैं पर इवन जो उसका कोई भी रेजोल्यूशन या कोई भी जो सोल्यूशन आता है उसका इफेक्ट सारे लोगों पर पड़ता है राइट right? सो so, मतलब एक तीर से या एक बाढ़ से आप कई लोगों की चीजों को इशू को सॉल्व कर सकते हो एक साथ राइट right? या आप कह सकते हो कि कई इश्यूज को नहीं इंटेंशन इशू तो आपका एक ही लेके आप चलते हो लेकिन उसका असर कई मेंबर्स पे होता है या कई मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं और जब आप उसका सॉल्यूशन करते हो तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रिजोल्व हो जाता है पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है और जो उसके अंदर डिसरप्शन है या जो भी प्रॉब्लम है वो ऐसे ठीक होती है कि सिस्टम ठीक से चलने लगता है राइट तो चाहे वो सिस्टम प्रेजेंट सिस्टम हो चाहे वो हमारा पास्ट का सिस्टम हो चाहे वो हमारे फ्यूचर का सिस्टम राइट right? <coughs> तो जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम फैमिली कॉन्सलेशन को सिस्टमिक कॉन्सलेशन भी बोलते हैं राइट right? सो so इसका मतलब बेसिकली पर्पस या कहने का आ, मतलब है कि हर चीज जो है उसका एक ऑर्डर है है ना सिस्टम जब हम बोलते हैं तो हम इसका मतलब क्या होता है आपका चाहे स्कूल का सिस्टम हो चाहे कोई इंस्टीट्यूशन का सिस्टम हो घर का सिस्टम हो बाहर का सिस्टम हो किसी भी तरह का सो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल है ना हर चीज जो होती है इट कंसिस्ट ऑफ सम पीपल और जब वो एक साथ उस ग्रुप में होते हैं तो उसका कोई तो तौर तो तरीका भी होगा उसका फंक्शन होने का कोई पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशंस भी होंगे और जब वो उस प्रकार से फंक्शन नहीं होगा तो उसका क्या होगा वो एक तरह से बिखर जाएगा है ना वो जो उसका मतलब uh, uh, दर्शाना चाहिए जो उस ग्रुप को वो नहीं वो कर पाएगा राइट करेक्ट और अगर वो नहीं दर्शा पाएगा तो ऑब्वियसली एक तरह से फेलियर है ना फेलियर ऑफ द सिस्टम तो उसी प्रकार से अगर आपकी फैमिली है उसके अंदर अगर लोगों का जो एक दूसरे के ऊपर प्यार होना होना चाहिए लोगों का एक दूसरे की तरफ जो एक बॉन्ड होना चाहिए एक दूसरे की तरफ एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग uh, होना चाहिए अगर वो उसमें एक्सचेंज होना चाहिए एक गिव और टेक का राइट right? क्योंकि हम इस जीवन में आए तो हम ऐसे तो आए नहीं हैं कुछ ना कुछ हमारा लेना देना हर एक के साथ बना रहता है राइट right? तो वो लेना देना किस प्रकार से होना चाहिए क्या हम अगर किसी को ज्यादा दे रहे हैं तो वो सही है या अगर कोई ज्यादा ले रहा है तो वो सही है राइट right? तो दोनों के केस में चाहे आप हाँ ज्यादा दे रहे हो या किसी को कम मिल रहा है या कोई कम दे रहा है दोनों में ही कुछ ना कुछ डिस्फंक्शन क्रिएट हो गए राइट right? और अगर वो डिसफंक्शन क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली हमारी पोजीशन एज अ गिवर और टेकर चेंज होगी क्योंकि अगर आप ज्यादा दे रहे हो तो भी आप स्वाभिमानी हो जाओगे अभिमानी हो जाओगे आपको लगेगा कि आप किसी से ज्यादा बेहतर हो बे, बेटर हो इसीलिए तो आप दे पा रहे हो ज्यादा राइट और जो कम ले जो रिसीव कर रहा है पर वो अपनी तरफ से उतना नहीं दे पा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं इन्फीरिटी भी हो सकती है कॉम्प्लेक्स उसको ये लग सकता है कि हाँ मैं तो नीचे हूं तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वर्क होती है सब कॉन्शियस लेवल पे राइट right? जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली आपको कोई बताता है या समझाता है या बोलता है कि ये ऐसा है लेकिन बहुत सी चीजें सब कॉन्शियस लेवल पे होती हैं और जब वो वैसे होती हैं तो धीरे 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 वो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते राइट और ये प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि वो आज के सिस्टम में शुरू हुई है जैसे कि इन्होंने कहा कि एनसेस्टर से आ रहा है वो कहीं और से शुरुआत हुई है उनकी, लेकिन उसका असर तो हम तक भी पहुंचेगा ना, राइट? Right? और कोई ना कोई जरूर होगा जो इस समय में इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर उस असर को दिखाने के लिए खड़ा होगा उस चीज को दर्शाने के लिए वो अपने आप को उसके लिए खड़ा करेगा राइट क्योंकि अगर आपको कोई डिसफंक्शन को देखना है तो आप कैसे देखोगे वो लोग तो जा चुके हैं वो आज इस दुनिया में नहीं है राइट तो इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रेजेंट फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा होना चाहिए जो कि वही चीज कर रहा है जो कि उस समय हुई थी और जब उस समय वो चीज को नहीं देखा गया था तो आज उसको हमको देखना पड़ रहा है क्योंकि वो हमारे सामने हो रही है राइट तो जब हम उसको देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है किस कारण से हो रहा है क्या वजह है इसके पीछे राइट right? और जब हम उसका उपाय ढूंढने को जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो कहाँ से आ रहा है किस डिसफंक्शन के कारण आ रहा है किस एंटेंगलमेंट के कारण आ रहा है किस पर्टिकुलर ऑर्डर के ना होने के कारण आ रहा है राइट right? सो so ये इस थेरेपी का बेसिक वो है कंसेप्ट ओके, सो फैमिली कॉन्सलेशन जो है वो बर्ट हेलिंग जो जर्मन साइकोथेरेपिस्ट जो आज दुनिया में नहीं है उनकी डेथ पाँच साल पहले हो गई ऑफ नाइन्टी टू इयर्स तक वो जिंदा रहे और उनका कंट्रीब्यूशन जो हमारी लाइफ में है और थ्रू दिस थेरेपी है वो बहुत बड़ा है क्योंकि ये थेरेपी वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है काफ़ी जगह पे इस्तेमाल की जाती है और काफी चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है ओके okay. सो so, इसमें आप हर तरह के इशू को हैंडल कर सकते हो ओके सो ये ऑब्वियसली uh, इसका श्रेय जो जो फाउंडर है उसी को जाएगा सो ही इज बर्ड हेलिंग ओके सो ये जो है बेसिकली uh, इन्होंने बहुत से चीज़ों पे काम किया बहुत सी थेरेपीज़ साइकोथेरेपीज़ को चाहे वह एनएलपी है चाहे वह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है चाहे वह और तरह की थेरेपीज हैं उनको उनको पढ़ा उनके साथ जुड़ के और इनका खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि ये काफ़ी सालों तक प्रीस्ट की तरह साउथ अफ्रीका में पोस्टेड थे और वहाँ पर इन्होंने वहाँ की कम्युनिटीज को फंक्शन होते हुए देखा जो कि जुलू कम्युनिटीज हैं वहाँ की आज भी हैं वो और उनको जब इन्होंने उनके तौर तरीकों को उनके अः किस तरह से वो अपने एंसेस्टर्स को कितना ज्यादा महत्व देते हैं और किस प्रकार से हर सोल्यूशन के लिए वो उनके उन पर आश्रित रहते हैं या उनसे वो लेने की कोशिश करते हैं तो उस चीज को समझ के किस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत करते हैं वो उन्होंने उसको देखा समझा और जब उन्होंने बहुत सारी और साइको थेरेपीज को पढ़ा और ज्वाइन किया तो फिर उन्होंने ये फैमिली काउंसलेशन की थेरेपी को फाउंड किया तो ये फैमिली काउंसलेशन की थेरेपी में क्या चीजें क्या मुद्दे हैं या क्या इंपॉर्टेंट किस तरह से ये प्रोसेस काम करता है ओके okay. तो ये प्रोसेस जो है वो है एक फील्ड का ओके okay. और ये फील्ड क्या है ये एक नोइंग फील्ड है ओके अब ये नोइंग फील्ड क्या है नोइंग फील्ड है जो कि हम सब जानते हैं हमारे आसपास का एरिया है हमारे जहाँ हम खड़े हैं वो भी एक नोइंग फील्ड है जहाँ आप खड़े हैं वो भी एक नोइंग फील्ड है सो नोइंग फील्ड का मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन है चाहे वे आपकी है चाहे वह मेरी है चाहे वे आज के लोगों की है चाहे वह बहुत पहले के लोगों की है वो सब इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर फील्ड में इस पर्टिकुलर एरिया में स्पेस में अवेलेबल है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है जब उन्होंने इस थेरेपी में किया तो ऐसा नहीं है कि कोई इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है कि कहाँ से आ रही है कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इतने सालों से जब भी रिप्रेजेंटेटिव एज अ पर्सन खड़े हुए किसी और को रिप्रेजेंट करने को तो वो उसके बारे में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को डिपेक्ट कर पाए राइट सो इट वाज़ विदाउट द नॉलेज कि आप मुझे बताओ कि आप कौन हो आप क्या करते हो आप कहाँ से हो आपका क्या हिस्ट्री uh, है या आपके एंसेस्टर्स की है, क्या हिस्ट्री है पर जब भी किसी ने किसी को रिप्रेजेंट किया तो वह उसके बारे में पूरी तरह से बोल पाया ओके सो दिस इज हाउ दिस फील्ड इज दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज अ नोइंग फील्ड तो आप समझ सकते हो कि ये कोई ऑफ़ कोर्स ये कोई मैजिक या जादुई चीज नहीं है लेकिन इट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोजेनिक फील्ड सो बेसिकली इट इज टू से एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट ईच वन ऑफ अस इज प्रेजेंट इन दिस स्पेस राइट सो चाहे आप बहुत साल पहले आए चाहे आप अभी आए हर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है और जब आप खड़े होते हो उसके लिए मेरे को कहीं स्पेसिफिक जगह पे खड़े होने की जरूरत नहीं है एक स्पेसिफिक एरिया में जाने की जरूरत नहीं है अब तो ये थेरेपी ऑनलाइन भी होती है तो आप अपने घर में बैठे मैं अपने घर में बैठे फिर भी हम जब उस जने को रिप्रेजेंट करते हैं या जिस भी चीज के बारे में हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं उसको उसके बारे में वो उस इंटेंशन के साथ फील्ड को सेटअप करते हैं तो अपने आप ही वह सारी इंफॉर्मेशन बाहर आने लगती वो सारी इंफॉर्मेशन रिवील हो जाती वो सारे हिडन डायनेमिक्स जो हैं, वो दिखाई दे जाते हैं राइट तो इसके लिए कोई जना किसी से पूछ के वो फॉर्मुलेट नहीं करता है लेकिन अफकोर्स देर इज अ क्लाइंट देर इज इंटेंशन राइट क्योंकि ऑब्वियसली किसी के पास कोई इशू होगा तो ही वो आएगा ऐसे ही तो नहीं आएगा मजाक या फन के लिए इट इज नॉट समथिंग इज डन सो इट इज डन विद अ पर्पस राइट सो जब आप किसी पर्पस के लिए कुछ कर रहे हो चाहे वो आपका कोई फिजिकल इशू है चाहे वो आपका कोई मेंटल इशू है चाहे वह आपका कोई रिलेशनशिप इशू है चाहे वह आपका मे बी समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर भी हो सकता है और इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू आई वोंट से

एक फैमिली कॉन्सुलेशन फेसिलिटेटेटर के पास जाते और आप उनके सामने ये बात को व्यक्त करते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर इशू को देखना है आप वो जो इशू को देखना है हो सकता है फेसिलिटेटर आपसे एक इनटेक फॉर्म ले जिसमें कि वो कुछ डिटेल्स आपसे पूछे राइट और आप अपनी तरफ से कुछ चीजें बताओ पर यह जरूरी भी नहीं है कि आपको पूरी चीजें बताने की जरूरत है या आप सिर्फ मिनिमम बेसिक डिटेल्स जो उसके हिसाब से जरूरत है वो बताओगे और जब आप वो चीजें बता देते हो तो उस हिसाब से आपका एक कॉन्सलेशन सेटअप किया जाता है और जो वो कॉन्सलेशन सेटअप किया जाता है उसके अंदर जैसे कि जो लोग इस पर्टिकुलर इशू के बारे में कुछ भी जानते नहीं है जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है चाहे वह Uh, कोई uh, बाहर के लोग हों किसी भी जगह के लोग हों वो आके उस उस फील्ड में मतलब जहां पे भी आप बैठे हैं उस जगह से आप उस जने को रिप्रेजेंट करते हो तो अब जब हम कोई इशू को लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो किसी के किसी के बीच में इशू होगा ना चाहे वह हस्बैंड वाइफ के बीच में इशू है चाहे वह मदर और चाइल्ड के बीच में इशू है चाहे वह स्कूल uh, और टीचर के बीच में इशू है कोई भी प्रकार का इशू है तो उसमें कोई ना कोई तो जने होंगे जो इन्वॉल्व होंगे राइट उनका कोई ना कोई तो एक बेसिक नाम होगा या उनका कोई फंक्शन होगा राइट तो उस हिसाब से आप जैसे हैं निकिता जी वो सपोज कोई हस्बैंड और वाइफ का इशू है तो उसमें क्लाइंट चूज करता है कि ये इशू के लिए हस्बैंड को निकिता जी रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बोलेंगे निकिता तो मैं तो लड़की हूं मैं लेडी हूं तो मैं क्या एक जेंट का रोल प्ले कर सकती हूँ हाँ, कर सकते हो क्योंकि there is nothing कि आप जब किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको वो जेंडर का होना जरूरी है लेकिन अगर देर इज इसमें काफी जेंट्स भी हैं सो हो सकता है एज अ क्लाइंट मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैं निकिता को अपनी वाइफ बनाता हूं और मैं राम जी को हस्बैंड बनाता हूँ right? राइट तो ये क्लाइंट के ऊपर होता है और अगर क्लाइंट ये डिसाइड करने में माहिर नहीं है या वो सोचता है उसको डर लगता है उसको लगता है कैसे चूज करूं किस बेसिस पे चूज करूं तो वो फैसिलिटेटर को भी बोल सकता है कि आप ही चूज कर दो एक को मेरा वाइफ बना दो एक को मेरे हस्बैंड बना दो मैं बना दो मतलब जो भी हस्बैंड है विदाउट एनी अंडरस्टेंडिंग ये जना इसके लिए करे इट कैन बी कि मैं इन्फ्लुएंस हो सकती हूँ बाय द लुक्स ऑफ द पर्सन अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी वाइफ इस प्रकार से दिखती है तो शायद मुझे इनमें से अगर कोई ऐसा जाना दिखाई दे रहा है जो मेरी वाइफ के जैसा है तो शायद मैं उस तरफ इंक्लाइंट हो सकती हूँ दैट कैन बी वन ऑफ द क्राइटेरिया बट इट इज नॉट द एक्चुअल क्राइटेरिया और द वे इट मे फंक्शन राइट है ना तो जिसको भी मुझे मैं मैं जिसको भी मुझे ऐसा लगता है जिसको मैं देख रही हूँ चाहे वह दस जने हैं पांच जने हैं छः जने हैं सो अभी मुझे कितने लोग की जरूरत है will vary depending on मेरे फील्ड में कितने लोगों को मुझे लगाना है और कितने लोगों को लगाना है वो भी वैरी करेगा बिकॉज़ इनिशियली तो शायद आपको एक या दो ही जाने चाहिए अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही इशू है तो वहां पे हस्बैंड और वाइफ के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए ही मुझे यहाँ से जाने चाहिए राइट लेकिन धीरे-धीरे कुछ ना कुछ हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आ जाए अब वो क्लाइंट ने आपको नहीं बताया कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है लेकिन जब आप फील्ड के अंदर हस्बैंड और वाइफ को खड़ा करते हो सडनली आपको कुछ ऐसा लगता है कि किसी और जने की एनर्जी या किसी और जने का वहां पर कोई बोल रहा है या कुछ फील हो रहा है या महसूस हो रहा है या कभी कभी फैसिलिटेटर खुद भी कुछ एक्स्ट्रा चीजों को या कुछ ऐसे जैसे चीज को अंदर लेके आता है एज अ सरप्राइज और एज अ अननोन पर्सन और एज मे बी इन दोनों को पता नहीं है कि वो कौन है सो इट इज लाइक अ ब्लाइंड एंड वो जना फिर उस प्रकार से अपियर होता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मूवमेंट शुरू होता है उसके अंदर डायनामिक्स में आपको समझ में आता है कि ये थर्ड पर्सन कौन है राइट सो इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थेरेपी विदाउट एनी बडीज इंटरफेरेंस इन इन टर्म्स ऑफ मतलब नॉट अ कंट्रोल इंटरफेरेंस इट इज अमथिंग वेर फ्लो है फील्ड के हिसाब से होने देते हो तो धीरे धीरे बहुत सी ऐसी चीजें बाहर निकल के आती हैं जिनका हो सकता है आपको मुझको क्लाइंट को अंदाजा ही नहीं Right? So, therefore, it shows the hidden dynamics, the hidden loyalties, the hidden entanglements, hidden patterns, which you and I are not aware of. Okay. So, therefore, family constellation is a very wonderful therapy because it is a therapy which um, you just have to surrender to the field and let the field take the charge. Let the knowing field guide you. Let the knowing field take you further. But of course, even if the knowing field is taking you further, even if the knowing field is showing you, there are certain rules, parameters, and things to know, right? So there is order, order of love, right? There are things how the family operates. How the system operates, what is right, what is not right, right? What are the different terminologies, right? How people get entangled, why people get entangled, why things happen like that in relationships, why, uh, you know. Uh, so there are different types of observations, different types of experiences which have come forward, which just karte karte, different constellations karte karte. बहुत सी ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आई हैं और उसके बेसिस पे आपको समझ में आता है कि क्यों ऐसे डिसफंक्शन होते हैं या क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर इश्यूज आते हैं चाहे वो इवन सीरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं चाहे वह किसी भी प्रकार की कोई भी मेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं राइट सो व्हाई दे हैपन व्हाट इज द रीज़न व्हाई दे आर कॉज्ड व्हाट इज

Uh, जितना आप काम करेंगे जितना आप इस अलग अलग कॉन्सलेशन uh, हैंडल करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को देखोगे उतना ज्यादा आप अचंबित होगे चीजों को देखकर एंड uh, uh, इतना सिंपल तरीके से इतने सारे सोल्यूशंस निकल के आते हैं एंड जब सोल्यूशंस निकलते हैं तो सोलूशंस का इफेक्ट जो है वो सोल लेवल पे होता है बिकॉज दिस थेरेपी इज द मूवमेंट ऑफ सोल राइट सो एवरी थिंग इट इट इज इट इज वर्किंग ऑन अ सोल लेवल इट्स नॉट वर्किंग ऑन अ फिजिकल लेवल ओके सो देर फोर जो भी आप चेंज कर रहे हो जो भी आप उस फील्ड के अंदर बदल रहे हो या जो भी चीजें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट सोल लेवल पे ओके सो फोर इट इज अ वेरी इट्स वेरी वंडरफुल थेरेपी एंड एज आई सेड के द हिडन डायनेमिक्स आर रिवील्ड एंड जिसके वजह से जो भी स्ट्रेसर्स हैं जो स्ट्रेसर पॉइंट्स हैं जिनके कारण रिलेशनशिप्स uh, या कोई भी पर्टिपटिकुलर एस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो चीजों को ठीक करने में और उनके साथ साथ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि जैसे कि हम यूजली कोई भी थेरेपी करते हैं सो पहले क्या होता था पहले थेरेपीज जो होती थी जैसे साइकोथेरेपीज होती थी या ट्रेडिशनल काउंसलिंग थेरेपीज होती थी उसमें आपके अलग अलग सेशंस होंगे उसमें आप लोगों को बुलाओगे उनसे बातें करोगे टॉकिंग थ्रू टॉकिंग यू विल कम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स फिर आप उन चीजों को चेंजेस करोगे राइट और फिर आप उनको कुछ एक्सरसाइजेस दोगे फिर आप उनको बोलोगे ये सब करो और उसके बाद धीरे धीरे वो चेंज आएगा। लेकिन फैमिली कॉन्सलेशन में जब आप डील करते हो इन द ड्यूरिंग द सेशन तो वहीं उसी सेशन के दौरान ही आप हीलिंग भी कर देते हो सो इट इज़ नॉट कि आप हीलिंग सेपरेटली कर रहे हो

राइट सो इट इज़ समथिंग वेयर इन द सेशन इट्स एल्फ एवरीथिंग इज वर्कड आउट राइट लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक सेशन में ही सारी डिफ़िकल्टी या सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं कभी कभी मे बी इट मे रिक्वायर टू सेशंस और थ्री सेशंस आल्सो एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स के पास भी बहुत सारी इंटेंशनस होती हैं सो so एक इंटेंशन आप एक सेशन में कवर करते हो और फिर दूसरा इंटेंशन दूसरे सेशन में करते हो अनलेस के एक सेशन में वो इंटेंशन और दूसरे इंटेंशन लिंक हो सके और दोनों इंटेंशन भी कवर हो सके सो इट वेरी समटाइम्स फॉर सम पीपल दे हैव टू टेक टू और थ्री सेशन लेकिन द हीलिंग प्रोसेस इज डन थ्रू द रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स इन द सेशन इट सेल्फ तो सेशन के दौरान ही सब कार्य किया जाता है ज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट ओके सो सो इस तरह से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि आप हर एक सेशन का एक तौर तरीका जो निकल के आता है वो बहुत फर्क हो सकता है जबकि रिलेशनशिप इशू ही दो में है राइट right? लेकिन आप दो जनों का सेशन करोगे और दोनों के सेशन में आप ये सोच समझ के नहीं जाओगे कि क्योंकि ये रिलेशनशिप इशू है हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा है तो इसका कारण यही होना चाहिए राइट right? तो ये चीज बहुत अलग सी चीज है कि हर सेशन में दे कैन बी टोटली डिफरेंट वेरिंग पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स कैन कम आउट थ्रू द दिस थिंग तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकल के आते हैं इट इज नॉट जस्ट कि हमेशा एक प्री डिटर्मिंड सोल्यूशन होता है कि ये है आपको फीवर हुआ है वायरल हुआ है तो आप क्रोसिन दवाई ले लो अगर आपको ये हुआ है तो आप ये दवाई ले लो सो देर इज नथिंग लाइक ए एक पिल इज प्रिस्क्राइब फॉर एवरी थिंग विच इज कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर इशू राइट सो दे कैन बी डिफरेंट पिल्स दे कैन बी डिफरेंट व्यूज राइट सो जैसे मैंने बताया कि फील्ड जो है वो सारा काम करता है तो फील्ड बेसिकली जस्ट स्पेस है जो हमारे आसपास है अब उस फील्ड में चाहे आप खड़े हो चाहे आप बैठे हो चाहे आप लेटे हो चाहे आपकी कहाँ पे पोजीशन है वो वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार से आपको प्लेस किया जा रहा है लेकिन कहाँ पे आपको प्लेस किया जा रहा है आप किधर देख रहे हो किस तरीके से देख रहे हो क्या आ, आप आ, आ, एक दूसरे को देख रहे हो बाहर देख रहे हो एक दूसरे से अलग देख रहे हो एक दूसरे से अलग खड़े हो सो बहुत सारी चीजें प्लेसमेंट्स के ऊपर पोजीशंस के ऊपर एक दूसरे की तरफ देखने के ऊपर वो वेरी करती है राइट अब आप सोचोगे कि आप तो कहीं और हो आप ये वीडियो कैमरा पे हो मैं एक वीडियो कैमरा पे हूँ तो हम किधर कैसे खड़े हैं कहाँ पे खड़े हैं सो बेसिकली आपको पूछा जाता है जब आपको ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप तो आप अपने आप को कहाँ पर खड़ा हुआ महसूस करते हो तो जब ही आपका एक फील्ड हमेशा एक स्क्वायर या सर्कुलर या रेक्टेंगल होता है और उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अगर आप एक स्क्वायर देख रहे हो तो आप अपने आप समझ पाते हो या आप बोल पाते हो कि मैं उसके सेंटर में खड़ा ही हूँ या मैं उसके एक कोने में खड़ी हूँ या मैं उसके राइट हैंड कोने में खड़ी हूँ या मैं उसके पीछे खड़ी हूँ उसी प्रकार से जब वो दूसरे जने को भी बोला जाता है तो वो जना भी ये बोल पाता है कि वो कहाँ पे खड़ा है क्या वो आपके नेक्स्ट खड़ा है क्या वो आपके पीछे खड़ा है क्या वो आपके आगे खड़ा है क्या वो कहीं और देख रहा है सो ऑल दीज थिंग्स दे हैपन द मूवमेंट यू आर असाइन दैट पर्टिकुलर रोल इन द मोमेंट यू असाइन दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी आप अपने आप ही वो महसूस करते हो आप यहां तक ये भी महसूस कर पाते हो कि आप कौन सी एज में हो कौन से समय में हो कौन से आ, आप बचपन में हो अपने आप इवन स्पेसिफिक एज भी आप बोल पाते हो इतना एक्यूरेट सम आप ये बोल पाते हो कि आई कैन फील दैट आई एम एट ईयर्स ओल्ड चाइल्ड आई एम टूडे थर्टी टू ईयर्स ओल्ड ओके okay. आप क्या फील कर रहे हो सोमैटिकली फिजिकली वो सब कुछ आपको उस समय महसूस होता है इट इज सो वंडरफुल कि आप अपने आप बोल पाते हो कि मुझको सर दर्द हो रहा है मेरे को आंखें भारी हो रही हैं मेरे को पेट में दर्द हो रहा है या मुझको उल्टी आ रही है या मुझको जो भी आपको महसूस हो रहा है सो द फीलिंग्स द इमोशंस द एज वे यू फील योर सेल्फ द वे यू सी योर से हाउ आप कैसे महसूस कर रहे हो वो सब आप व्यक्त कर पाते और उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती इट्स नॉट कि मैं आपको सिखाती हूँ कि निकिता देखो ये बोलने का नहीं जैसे ही आप उस जगह पे खड़े होते ऑटोमेटिकली आपके अंदर उसी प्रकार के थॉट्स, उसी प्रकार की फीलिंग्स उसी प्रकार के इमोशंस एक्सप्रेस होने लगते हैं अब ऑब्वियसली फिर आप क्या सीखने आ रहे हो यहाँ अगर आप ही ये चीज बता सकते हो और मुझे आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है तो फिर आप क्या बता रहे हो क्योंकि फिर आप बता तो रहे हो लेकिन उसको किससे कैसे डॉट्स को कनेक्ट किया जाए कैसे उनको मिलाया जाए किस प्रकार से उसको चीज़ को समझा जाए और क्यों वो हो रहा है वो सब तो आपको समझना पड़ेगा ना क्यों एक पर्टिकुलर चीज़ को आप जो भी महसूस भी कर रहे हो उसको आप कई लोग उसको बयान भी नहीं कर पाते हैं कई बार ऐसा भी हो सकता है तो वो किस प्रकार से उस चीज़ को खरीदना उसके अंदर और डिटेल में जाना कैसे उसको क्वेश्चनिंग करना किस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट करना किस प्रकार से प्रोजेक्ट जो हो रहा है उसको समझना और उस प्रकार से कैसे उसको आगे बढ़ाना जिससे कि वो एक फाइनल स्टेज पे पहुंच पाए जिससे वो वो स्टेज पे पहुंच पाए जहां पे वो आपको निर्णय दिखाई दे उसका सॉल्यूशन दिखाई दे दैट इज हाउ द थेरेपी वर्क्स ओके सो सो दे फॉर जो करना है वो एक स्किल है जो कि हमें एक प्रकार से आता है लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताना समझाना ज़रूरी है क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपनी स्टोरी में ही अटके हुए ऐसा हो सकता है कि गार्गी के साथ जो हो रहा है वो उसको ही महसूस कर रही तो जब वो खड़ी है चाहे वह रिप्रेजेंट कर रही है निर्मला को लेकिन वो वो निर्मला के बारे में बोलने के बजाय वो कंफ्यूज हो रही है कि वो क्या है गार की और वो अपनी ही कहानी उस हिसाब से बोल रही है राइट right? सो so, ऐसे कभी कभी हो सकता है कि यू मे गेट मिक्सड नॉट बी एबल टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम योर स्टोरी राइट तो यहाँ पे जो फैसिलिटेटर होता है वो समझ पाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंटल जा रहा है वो अपने दिमाग से सोच रहा है क्योंकि ये स्टोरी दिमाग से सोचने वाली नहीं है दिस इज नॉट अ माइंड प्ले दिस इज एन एनर्जी फील्ड विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस ऑफ द एनर्जी इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय मी और यू राइट पर ये चीज़ जो एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर है वो ये चीज़ को समझ पाता है इनफैक्ट जब आप बहुत ज्यादा भी एक्सप्रेसिव एग्रेसिव हो जाते हो बहुत ज्यादा भी ड्रामेटाइज करने लगते हो तो भी औरों को भी समझ में आने लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुछ अलग उस पर जा रहा है ओके सो इट इज नॉट नेसेसरी ऐसा नहीं होता है बहुत बार आप बहुत रोने भी लगते हो बहुत बार आप गुस्से भी करने लगते हो बहुत बार हो सकता है आप ऐसी लैंग्वेज भी यूज करने, करने लग जाओ फल लैंग्वेज जो कि आप वैसे यूज नहीं कर सकते करते तो इट इज अ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशन और एन इवेंट सो देर फॉर इट्सल्ट इट इज नॉट डिफिकल्ट इट इज बट इट इज सर्टनली अ गिफ्ट बिकॉज कोई भी चीज जो है जब आप उसको बेहतर तरीके से टच हो पाओ बिकॉज देखो आपका ग्राउंडिंग होना भी जरूरी है बहुत सारे लोग होते हैं वो ग्राउंडिंग नहीं होती है उनकी बहुत सारे लोग होते हैं वो कोई चीज को फील नहीं कर पाते हैं पिकअप नहीं कर पाते इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते राइट सो right? so, बहुत सारे ऐसी तरह की चीजों को आपको देखना पड़ता है जब आप लोगों को इसके सिखाते हो इस पर्टिकुलर चीज से समझाते हो राइट सो जैसे मैंने पहले बताया कि क्लाइंट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है और जब वो रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है तो वो उनको पर्टिकुलर वो रोल uh, देता है जो कि रोल उस पर्टिकुलर सिचुएशन uh, के लिए उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़रूरी है और उसके हिसाब से वो उनको प्रश्न पूछता है जो फैसिलिटेटर है कि क्या एज अ हस्बैंड क्या महसूस कर रहे हो एज अ वाइफ क्या महसूस कर रहे हो या एज अ मदर या फादर आप क्या महसूस कर रहे हो और उस हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव उसका आंसर देते हैं तो धीरे धीरे ये फ्लो जो होता है स्टोरी का वो शालू होता है राइट और वो धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं जो दिखाती हैं कि क्यों उस फैमिली के अंदर डिसफंक्शन है या उस फैमिली में क्यों ये पर्टिकुलर इशू है तो ये वो, वो ये बीमारी है और किसी को बीमारी क्यों है क्योंकि और जनों का उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है राइट right? सो so, इस प्रकार से ये पर्टिकुलर चीज चलती है समटाइम्स सेशन कैन गो वेरी लॉन्ग दो घंटा भी हो सकता है डेढ़ घंटा भी हो सकते हैं तीन घंटे भी सेशंस चल सकते हैं राइट right? कभी कभी वी हैव मेनी सेशंस सेशंस आल्सो आल्सो स्मॉल लेकिन फिर भी हर एक सेशंस को ज्यादा से ज्यादा आधा एटलीस्ट आधा घंटा पौना घंटा इतना घंटा तो लगता ही राइट सो इट्स अ वेरी इंट्रीगेट वर्क लॉट ऑफ थिंग्स कम आउट आपको कभी कभी आप गए हो तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर लेकिन आपको इतनी सारी और चीजें भी पता चल जाती राइट सो दैट इज अ वंडरफुल थिंग अबाउट दिस थिंग और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी, भी हम किसी और प्रकार की हीलिंग करते हैं किसी और प्रकार का सेशन करते हैं तो हमें हर एक जने की परमिशन की ज़रूरत होती है लेकिन जब हम फैमिली कॉन्स्टलेशन करते हैं तो उसमें जो जने से हम वो मुद्दे को स्टार्ट कर रहे हैं वो जने की तो ऑफकोर्स परमिशन की हमको ज़रूरत है ही और उसकी इंटेंशन की भी ज़रूरत है और जहां तक हो सके पॉसिबल अगर वो बैठता है अपने सेशन के लिए तो और भी बेहतर चीज़ है कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट के बिना भी हम लोग ने सेशंस किए हैं ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं लेकिन ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज बेटर कि द क्लाइंट इज देयर टू ऑब्जर्व इट टू सी इट एंड समटाइम्स क्लाइंट कैन आल्सो रिप्रेजेंट आप क्लाइंट को भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव ला सकते हैं या इन द एंड ऑल्सो यू कैन ब्रिंग इन द क्लाइंट सो दैट वो एक्चुअल वो फीलिंग को ले सके जो कि वो फील्ड में बाहर निकल गया ये राइट सो so, uh, इसमें uh, जब आप ये चीज को कर रहे होते हो तो उस समय पे आपको हर मेंबर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं राइट right? क्योंकि वो क्लाइंट ने से आपने ये सेशन स्टार्ट किया लेकिन उसके दौरान बहुत सारे और लोग उस फील्ड के अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह आ गए तो उनका भी उपचार होगा उनका भी उसमें सोल्यूशन होगा लेकिन उनसे आपने ना परमिशन ली है ना आपने उनको बताया है तो ये बिन बताए बिन बोले सब जनों का एक प्रकार से वो हो गया राइट सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग अबाउट दिस थेरेपी कि इट इज नॉट जस्ट के द क्लाइंट गेट्स द बेनिफिट देर आर अदर पीपल इन द फैमिली द सिस्टम गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट राइट विच इंक्लूड्स द पास्ट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ओके सो ऑब्वियसली देर इज अ थीम और वो थीम के साथ हम स्टार्ट करते हैं किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम्स को लेके स्टार्ट हो सकती है पहले फैसिलिटेटर uh, से थीम डिस्कस होती है फैसिलिटेटर उस थीम के बारे में सोचता है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स को पहले से ही नहीं बताता है कि हम ये थीम पे काम करने वाले हैं या ये क्लाइंट के लिए काम करने वाले हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रकार का उसके ऊपर एक ऑलरेडी uh, दिमाग में सोचना शुरू हो शुरुआत हो इट शुड बी समथिंग जो उसी समय पर हो उसी दिन पर हो राइट सो स्पेकुलेशन कोई भी स्पेकुलेशन इसके ऊपर नहीं होता है कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आप पहले से ही लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन उनसे निकाल रहे हो रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेटिव को पहले से ही पता होगा तो वो कहीं ना कहीं फेथफुल ट्रुथफुल नहीं रह पाएगा वो उसके हिसाब से उसकी अटेंशन या उसके हिसाब से उसकी एनर्जी या वो उस चीज को अपने उस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व करेगा और जिसके कारण वो मैनिपुलेटेड हो जाएगा राइट तो ये पर्टिकुलर चीज नहीं की जाती है फैसिलिटेटर uh, इसीलिए अपनी तरफ से चाहे उसे कुछ भी चीजें पता भी हो वो नहीं बताता है इट इज ड्यूरिंग द सेशन वो चीज ऐसे अटक के रह गई है कि वो पर्टिकुलर चीज को लाना या बताना जरूरी है तभी वो चीज़ आगे बढ़ पाए राइट सो फिर उस टाइम कई बार फेसिलिटेटर ये बोलता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन हाँ क्लाइंट ने हैज मे बी अस्टर हु डाइड वेरी अर्ली और हैड एन अबाउट चाइल्ड और कभी कभी जब हम सेशन कर रहे होते हैं तो सेशन के दौरान भी हम डायरेक्टली क्लाइंट से प्रश्न नहीं करते हैं या एज अ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं बोलते हैं पर हम फैसिलिटेटर को बोल सकते हैं कि हमें ऐसे दिखाई दे रहा है और फैसिलिटेटर क्लाइंट से बोल सकता है कि क्या ऐसा कुछ है क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीजें भी हो जो फैसिलिटेटर ने क्लाइंट को नहीं बताए क्लाइंट uh, ने फैसिलिटेटर को नहीं बताई हो या फैसिलिटेटर को पता नहीं हो पर क्योंकि वो निकल के आ रही है और उनका ये समझना जरूरी है कि वो हकीकत है कि नहीं है क्या वो ऐसी चीजें हैं क्योंकि जब वो फीडबैक मिलता है तो उसके हिसाब से हमें पता होता है कि जो फील्ड में नॉलेज जिस प्रकार से एनर्जी मूव हो रही है वो सही प्रकार से जा रही है वो ऑल्डो वी ऑलवेज ट्रस्ट द फील्ड बट फिर भी वी शुड नो कि मे बी वॉट द रिप्रेजेंटेटिव आर द राइट वे इट टेकिंग द सेशन इन द राइट ऑर्डर राइट right? सो so, इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं सो इट इज़ आप जब अगर कॉन्सुलेशन को देखेंगे बहुत सारे कॉन्सुलेशन आप देख सकते हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एज एन ऑब्जर्वर ऑल्सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कॉन्सुलेशन में रिप्रेजेंट करने की जरूरत है देर आर कॉन्सुलेशन वर्ल्ड वाइड होते रहते हैं फेसबुक के ऊपर भी कोई भी जगह पे आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्री रेप्रजेंटेश भी होते हैं जहाँ एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो तो हर एक फैसिलिटेटर का अपना एक स्टाइल होता है हर एक फैसिलिटेटर का एक तौर तरीका में कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है राइट right? और जब वो फर्क होता है तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस ही आपको बहुत सारी चीजों को सीखने में मदद करता है राइट right? और नॉट ओनली सीखने में मदद करता है इट ऑल्सो समाइम्स कैन हेल्प इन सर्टन योर ओन इशूज राइट right? सो so, ऐसा माना जाता है कि बहुत बार जब आप खुद एज रिप्रेजेंटेटिव्स uh, आते हो और इवन ऑब्जर्वर आप होते हो किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशन में तो कॉन्स्टलेशन फील्ड आपके लिए भी कुछ ना कुछ लेसन होता है उसके अंदर इसीलिए यू आर समवेयर बिकमिंग इन्वॉल्व विद स्टोरी समवेयर यू ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट सेशन एंड यू ऑल्सो गेट टू लर्न सो इट इज नॉट टू से आप अपनी स्टोरी उधर डाल रहे हो यू आर नॉट ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज दैट इज नॉट सम विच इज अलाउड लेकिन समवेयर मे बी वेन यू ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स तो वो लाइफ में जो आपकी भी सिचुएशन चल रही होती है एंड देन यू फील दैट दिस इज यू नो इट गिव्स अ ब्रिंग काइंड ऑफ अ लेसन और अ लर्निंग फॉर यू ऑल्सो राइट सो जो भी सेशन के दौरान होता है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं जो भी बदलाव होते हैं जो भी सीखते हैं नहीं सीखते हैं वो हर कुछ चीज़ जो है नहीं सीखते मतलब अनटेंगल करते हैं जो एंटेंगलमेंट होती वो सब कुछ जो है वो क्लाइंट को जाता है सिर्फ अगर आपके लिए कुछ है एज अ फैसिलिटेटर एज अ रिप्रेजेंटेटिव इफ देर इज एनी लर्निंग फ्रॉम द फील्ड

सो हिज द वर्ड्स आर ऑल्सो सो ब्यूटिफुली डन लाइक यू नो लाइक आई एम अ चाइल्ड यू आर यू आर माई पेरेंट्स सो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इतनी इज्जत दे रहे हो चाहे वह आपके पेरेंट्स हैं पेरेंट्स समझ रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है मेरा काम है उसको सब कुछ देना और बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ मेरे फादर मदर हैं वो मुझसे बड़े हैं और जो भी मुझे वो दे रहे हैं जो भी मुझे उनसे मिल रहा है वो मेरे लिए काफी है राइट सो इट इज अ काइंड ऑफ अ फीलिंग वेयर यू नो यू आर मेड टू बिकम फील ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वॉट यू आर रिसीविंग इन लाइफ वॉट यू आर गिविंग टू अदर्स हाउ यू आर गिविंग इट द प्रॉपर वे ऑफ गिविंग इट द प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड ओके एंड बींग फीलिंग हैप्पी अबाउट वॉट यू हैव रिसीव्ड एक्सेप्टिंग योर फेट एक्सेप्टिंग दैट ईच वर्डन उनका खुद का है नॉट गेटिंग इन टू समबिलिटीज अदर पीपल फीलिंग्स बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे के फेट को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं क्यों मेरे माता पिता के साथ इतना दुख होता है क्यों उनके साथ ऐसी तकलीफें होती हैं क्यों वो इन चीज़ों में अटके रहते हैं राइट right? बट समवेयर वी लूज आवर ओन सेल्फ हम अपने आप को खो देते हैं हम अपने रिलेशनशिप्स को भी खो देते हैं उसके कारण तो ये एक थेरेपी है जिसमें कि बहुत आपको अच्छी तरह से समझाया जाता है कि कहाँ पे आपको किस लोगों के साथ आप क्यों अटक रहे हो किन लोगों के साथ आप क्यों अः अपने जीवन को ऐसे कठिनाइयों को लेकर आ रहे हो क्योंकि आपकी समझ और सोच उनके साथ अटकी हुई है आप अपना जीवन अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे ओके? सो बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके अंदर यू गेट टू लर्न एंड एक्सपीरियंस राइट सो आई थिंक मैं ऐसे ही बोलती तो जा रही हूँ क्योंकि स्लाइड्स में देखने रही हूँ मैं सो so, uh, जैसे मैंने बोला कि धीरे धीरे पोजीशंस हैं, कहाँ पे कौन खड़ा है किस प्रकार से देख रहा है किधर देख रहा है ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके बेसिस पे आपको बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से एक्सप्रेशंस uh, के हिसाब से बहुत कुछ पता चलता है सो इट्स अ फील्ड ऑफ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लॉट ऑफ पेशेंस लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ यू नो रेवलेशंस राइट सो so, ये इस तरह से बहुत सारी चीजें इसके दौरान एक्सपोज होती हैं और बहुत सी चीजें पता लगती और फिर हमारे पास एक रेजोल्यूशन स्टेटमेंट्स होते हैं जो स्टेटमेंट्स फैसिलिटेटर रिप्रेजेंटेटिव्स को बताते हैं कोर्स देर आर अदर स्टेटमेंट्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव खुद भी महसूस करते हैं किसी को भी लेकर उनको क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं जिनको कि जैसे कि अगर आप हर्ट फील कर रहे हो आप दुखी फील कर रहे हो सोरोफुल फील कर रहे हो एंशियस फील कर रहे हो तो आप उसको सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट में बोलते हो लेकिन उसी चीज़ को अगर हमको रिजोल्व करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक तरीके के स्टेटमेंट्स हैं ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि हमको वही लैंग्वेज को यूज़ करने की ज़रूरत है आप ऑफ कोर्स उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप उसके ऊपर बना सकते हो बट दोज स्टेटमेंट्स आर गिवन बाय द फैसिलिटेटर एंड द रिप्रेजेंटेटिव

आई मीन सेशंस इनफैक्ट बहुत सारे यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स भी हैं और बर्ट हेलिंगर ऑल्सो लेकिन ज़्यादातर वो सारी जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में हैं uh, आप uh, कईयों में ट्रांसलेशन्स भी होती हैं और बर्ट uh, हेलिंगर की बहुत सारी किताबें हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं Uh, और अराउंड मोर देन हंड्रेड बुक्स आर देर देर इज़ अ बर्ड हेलिंगर हेलेंगर हेलिंगर इंस्टीट्यूट भी है जो उनकी वाइफ अभी भी चलाती हैं और वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी जाती है नेदरलैंड में और कौंसलेशंस um, uh, के जो सेशंस होते हैं कौंसलेशनस की थेरेपीज होती हैं जो भी आई मीन इवन पढ़ाई होती है इट्स नॉट इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव कोर्स वर्ल्ड वाइड और uh, जैसे मैंने कहा कि उसका थेरेपी uh, uh, बहुत सारी कंट्रीज में इस्तेमाल की जाती है राइट एंड ओके अभी हम लोग ऐसा करेंगे वी विल डू वन सो so, जो मैंने जैसे बताया आपको रिजॉल्विंग स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि आई एम सॉरी आई एक्सेप्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या आई लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद यू तो मतलब हर चीज़ का एक बहुत अच्छा तरीका है चाहे वह हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट है तो ऐसा नहीं है कि जो पहला हस्बैंड था या जो बाद में हस्बैंड आया है हम हर एक जने को उसकी रिस्पेक्ट देते हैं उसकी पोजिशन देते हैं उसका सही अहदा देते हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर पहले वाला गया है तो ही दूसरा वाला आया है तो जो दूसरा वाला आया है वो पहले वाले को उतनी रिस्पेक्ट देता है और वो उससे ये विनम्रता से पूछता है और कहता है कि आप मुझे अलाउ करिए कि मैं एटलीस्ट आप अपनी जिंदगी इनके साथ सही प्रकार से जी सकूं राइट सो दिस इज हाउ द वे इट इज डन चाहे वो बच्चे हो चाहे वह मिस हो अबॉर्शन हो कुछ भी हो वो हर एक जगह का हर जने का एक स्थान है हर जने का फैमिली के अंदर एक इम्पोर्टेंस है तो वो हर जने को याद किया जाता है उनको किसी को भी एक्सक्लूड नहीं किया जाता है हर क्योंकि द मोमेंट हम एक्सक्लूड करते हैं लोगों को फैमिली से उनको अलग करते हैं फैमिली से उनको भूल जाते हैं उनको दूर करते हैं वही डिसफंक्शन का एक रीजन बनता है राइट right? क्योंकि किसी ना किसी को उसकी सही रिस्पेक्ट नहीं दी गई उसकी सही पोजीशन नहीं दी गई उसको माना नहीं गया राइट right? उसका तिरस्कार किया गया उसको बाहर किया गया फैमिली से सो so फैमिली ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है चाहे कोई अच्छा हो बुरा हो फॉर अ सिस्टम एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट एवरीबडी इज नेसेसरी एवरीबडी हैज देयर ओन प्लेस राइट सो देर इज लॉट ऑफ ऑर्डर्स अलग अलग तरह uh, के ऑर्डर्स हैं विच वी अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर देर चाहे वह रिलेशनशिप में हूं चाहे वह किसी भी चीज में हूं देर आर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के कैसे अडोप्शन कैसे एक्स uh, पार्टनर्स uh, कैसे रिलेशनशिप्स जो पहले की हैं या उसके बाद आई हैं किस प्रकार से फैमिली ऑफ ओरिजिन फैमिली जो बाद में आती हैं क्योंकि हर कोई जो है पहले एक फैमिली में पैदा होता है उसके बाद वो दूसरी फैमिली में जाता है दूसरे फैमिली के मेम्बर आता है दूसरे फैमिली के सदस्य उसका भाग बनते हैं तो हर फैमिली का किस फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस है क्या योगदान है कौन प्रेसिडेंस लेता है कौन इम्पोर्टेंस लेता है किस तरह से हम किसको को कहाँ प्लेस करते हैं किस जने को किस प्रकार से देखा जाता है वो सब कुछ इसमें सिखाया जाता है ओके सो दैट्स हाउ द ऑर्डर फंक्शन सो इसमें ये थ्योरी पार्ट समझना इम्पोर्टेंट है जिससे पहले कि हम उसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ को कर सकें ओके okay? So, uh, अलग अलग तरह की कॉन्शियसनेस होती है हमारी एक पर्सनल कॉन्शियसनेस होती है कॉन्शियसनेस मतलब हमारी अवेयरनेस हमारी थॉट हमारा जो एक बॉन्डिंग है राइट right? हम किसी जगह पे पैदा हुए हैं किस किसी उसमें हैं तो हम उससे एक सिस्टम से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है हर एक से राइट right? सो so, उसमें ये तीन तरह की जो कॉन्शियसनेस होती है जैसे कि हर कॉन्शियसनेस सिर्फ मेरी और आपकी नहीं उसके अलावा एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी है जो हम सबको फर्क पहुंचाती है ऐसा नहीं है कि हम एक अलग अलग विभाजन में हैं, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी कहीं ना कहीं जो आपके स्पेस में हो रहा है वो मुझे भी इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं किसी देश में कुछ हो रहा है तो वो दूसरे देश को भी इफेक्ट कर रहा है तो अगर हम ये सोचेंगे कि जो जनरेशन पहले कुछ हुआ तो आज नहीं होगा तो वो ऐसा नहीं राइट सो देर इज अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देर इज़ अ पर्सनल कॉन्शियसनेस देर इज़ अ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ट्रांसीडेंटल कॉन्शियसनेस तो ये अलग अलग तरह के कॉन्शियसनेस द फिनिना ऑफ द फील्ड ये सब आपको इस तरह से सिखाया जाता है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से मूवमेंट होता है कैसे चीजें चलती हैं और कैसे उनमें बदलाव आता है क्यों बदलाव आता है क्यों खटास आती है वो सब कुछ इस प्रकार से सिखाया जाता है सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थेरेपी जब आप इसको सीखेंगे तो यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सी शांति सुकून मिलेगा आपको और आपको हर एक चीज को करने में मजा आएगा दैट इज हाउ थेरेपी वर्क्स ओके नाउ इवन जब बच्चे मरते हैं बच्चे खत्म हो जाते हैं कोई भी किसी पे अत्याचार करता है कोई भी अब्यूज होता है कैसे उसका इफेक्ट किस तरह से देखा जाता है किस तरह से एज अ सोल हम किसको कैसे ट्रीट करते हैं वो सब इस थेरेपी के अंदर बहुत मायने रखता है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है राइट right? सो वॉट वी डू इज नाउ हम लोग uh, अलग अलग तरह की लॉयल्टीज़ होती हैं लॉयल्टीज़ मतलब आप किस से जुड़े हुए हो किस को पसंद करते हो किसके साथ आप शामिल हो किसके तरह से आप सोचते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आप आज इस दुनिया में हो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ऐसे हो जिनके बारे में आप जानते भी हो जिनके बारे में आपको कभी बताया भी गया हो कभी कभी हमारी लॉयल्टीज ऐसे ऐसे लोगों से फैमिली में होती है जिनको हमने कभी देखा तक नहीं है जिनके बारे में हमने कभी सुना तक नहीं है सो देयरफोर दैट मीन्स जो डीएनए के थ्रू ट्रैवल हो रहा है दैट इज समथिंग विच इज इम्पॉर्टेंट राइट जहां पे हम ये फील करते हैं कि जब तक हमने किसी को देखा नहीं तो हम उसको कैसे जाने लेकिन जैसे पहले बात हुई कि थ्रू डी एन ए यू आर कनेक्टेड टू द इवन द फर्स्ट पर्सन थ्रू विच यू हैव कम थ्रू योर लीनेज राइट right? सो so, आपको जरूरी नहीं है हर एक को देखने की जरूरत है आप कभी भी निर्णय ले सकते हो एज अ चाइल्ड कि आप किसके साथ जुड़े रहना चाहते हो आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं राइट right? तो उतना इनोसेंट जो प्यार होता है जो ब्लाइंडनेस होती है जिसमें हम किसी भी जने के साथ खड़े हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं क्योंकि हम वो प्यार चाहते हैं फैमिली का हम चाहते हैं कि हमको वो जगह मिले वो बॉन्डिंग मिले उसके साथ राइट सो so, चाहे हमारे पिताजी भी हमारा तिरस्कार करते हो लेकिन हम चाहे बाहर से ऐसा दिखा रहे हो कि हम उनको पसंद नहीं करते लेकिन दे कैन बी एन अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लॉयल्टी टूवर्ड्स द पर्सन फादर आई विल बी लाइक यू राइट और इसीलिए मैं ऐसी आदतें डाल लू जो कि वही आदतें हैं जो फादर के अंदर राइट किस प्रकार से माँ अगर फादर का तिरस्कार करती है तो बच्चे के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चा उसको कैसे लेता है राइट सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थेरेपी आई मीन यू फील सो नाइस वेन यू लर्न इट सो मेनी थिंग्स आपको समझ में आती है विद रिस्पेक्ट टू द डायनेमिक्स द वे फैमिली डायनेमिक्स काम करता है राइट right? ओके देर इज लॉर्ड्स ऑन बैलेंस ऑफ गिविंग टेकिंग कैसे हर जना महसूस करता है जब वो किसी को देता है उससे लेता है कैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार मेंटेन होता है किस तरह से हस्बैंड कितना देता है कितना वाइफ रिसीव करती है कैसे उसको बैलेंस किया जाता है जिससे कि वो चीज़ बराबर तरह से और बढ़े ओके सो देर आर लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग इवन विद रिस्पेक्ट टू ऑनरिंग द पेरेंट्स क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लाइफ में हमारे को मिला है या जो भी लाइफ में हमारे साथ है समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स आर एटीट्यूड टुवर्ड्स आर पेरेंट्स हम कैसे अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हैं उसी प्रकार से हमें लगता है कि हमारी लाइफ भी खुशहाल है कि खराब है अगर हमें लगता है हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ नहीं दिया बिल्कुल बेकार है तो लाइफ का की तरफ हमारा नज़रिया भी वैसे ही रुखसत वाला और ख़राब वाला होता है राइट सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर पेरेंट्स पे इसमें बहुत कुछ है एंड हाउ वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू देम एंड वी शुड नॉट क्रिप एंड वी शुड नॉट क्राई एंड वी शुड नॉट फील दैट वी हैव गॉट लेस मतलब हमको कम मिला है सो uh, so, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इंटरेस्टिंग सो वॉट वी विल डू इज़ के हम अब एक शॉर्ट uh, uh, दो मेडिटेशंस करेंगे ओके okay? uh, दो नहीं इनफैक्ट तीन मेडिटेशंस हैं सो आई थिंक इससे स्टार्ट करते हैं सो so, uh, ये मेडिटेशन जो है बेसिकली देखिए वैसे ऐसा सच इसके अंदर कोई मेडिटेशंस की जरूरत नहीं है फैमिली कॉन्सलेशन में लेकिन फिर भी कई बार मेडिटेशंस हम लोग करते हैं Uh, कुछ हम लोग फील्ड uh, जब सेटअप करते हैं तभी भी हम लोग एक प्रकार का एक मेडिटेशन या प्रेइंग टू फील्ड करते हैं uh, पर ये मेडिटेशन बेसिकली पर्पस क्या है जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को हमारे जो नज़र से हम देखते हैं एज अ चाइल्ड राइट तो जब हम एज अ चाइल्ड देखते हैं तो हम उनके तरफ क्या ऐसे देख रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स में ये खराबी है या ये कमी है या ये ज्यादा है या ये कम है या हमको हम उनको एक एज एन एडल्ट देख पा रहे हैं विद एन एडल्ट आई नॉट एज एन एडल्ट बट विद एन एडल्ट आई एडल्ट आई का मतलब क्या जब आप एडल्ट मतलब वो होता है इंसान जो वाइज होता है जो के पास्ट में नहीं रहता है और जो लॉजिकल होता है जो प्रैक्टिकल होता है वो ऐसा नहीं कि वो ये सोचता है कि हाँ मेरे को एक बार मेरे पिताजी ने तो बहुत मारा था मुझे तो बहुत तंग किया था मैं तो अच्छा है आज वो अगर तड़प तड़प रहे हैं तंग हो रहे हैं तो वो अच्छा ही है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो ऐसे ही किया है राइट करे तो जहां पे हम उनको एज ये समझ पाते हैं कि जो वॉट टाइम दे हैव गॉन एंड एज अज पेरेंट्स टूडे हम सब भी पेरेंट्स हैं और हमारे पेरेंट्स भी पेरेंट्स थे तो देर इज समेयर हम उनको उस नज़रिए से देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें उन्होंने फेस की थी उनके टाइम में मे बी दे मे हैव बीन नॉट प्रिपेयर फॉर इट जैसे कि हम कई बार बहुत सी चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं हैं राइट हमें बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं होता है या हम बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं होती हैं राइट right? तो हम कैसे उनके लिए टेंस रहते हैं कैसे स्ट्रेस्ड रहते हैं उसी प्रकार से एक समय होगा जब उनके लिए भी बहुत सारी चीजें नहीं थी जब उन्होंने भी एक साथ बंधन बांधा एक साथ जुड़े एक साथ आगे बढ़े तो कैसे और बच्चे यहाँ पैदा हुए तो उनको भी पता नहीं था कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है उनके लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था राइट सो दैट्स हाउ यू व्यू योर मदर और फादर एज विद एन एडल्ट आई ओके okay. सो so, आप लोग सब रेडी हैं राइट सो इसके लिए आपको uh, बहुत सी चीजों को याद करना होगा सो so, अफकोर्स आपकी मदर और फादर के बारे में मैं तो नहीं जानती लेकिन मैं जो बोलती जाऊंगी उस हिसाब से आपको सोचना है या देखना है या समझना है ओके okay? राइट सो जस्ट शांति से थोड़ी देर को बैठना है एंड उसमें आपको सारी अपनी एनर्जी को सेंटर करना है सो जस्ट ब्रिंग इन ऑल योर एनर्जी जब मैं ये बोलती हूँ सेंटर करना है मतलब कि बेसिकली जो भी दिन भर में आपने कार्य किए जहां पर भी आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है आपको उसको रिक्लेम करना है उसको अपने पास बुलाना है। तो उसके लिए सिर्फ आपको बोलना ही होगा आपको सिर्फ कहना है कि आई कॉल अपॉन ऑल माई एनर्जी मैं अपनी सारी एनर्जी को अपने अंदर बुला रहा हूं या बुला रही और फिर यू हैव आपको ब्रीद इन करना है तो श्वास लीजिए और जब सांस छोड़ रहे हैं तो जस्ट फील एवरीथिंग जो आपको अभी तक ब्लॉक करे हुए है लेट दैट गो आउट राइट तो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं जो कि एक नॉर्मल प्रतिक्रिया वैसे भी चल रही है लेकिन जब हम अभी सांस ले रहे हैं तो यह सोच विचार के साथ ले रहे हैं कि हम अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को भर रहे हैं और नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं so just take in the positivity and remove out the negativity right आप just view आपको सिर्फ अपने माँ या पिता दोनों में से एक जने के बारे में एक जने को याद करना है सो जस्ट रिमेंबर और सी आपकी मदर या फादर पहले उन इनमें से एक जने को याद करिए जो आज के समय में जैसे भी आप उनको देखते थे चाहे वे आज हैं या नहीं है लेकिन जब तक भी थे तो तब तक वो आपको कैसे दिखाई देते तो जो कि उनके एडवांस एज में आप कैसे आपको आपके मदर या फादर दिखते थे उस प्रकार से जस उनको अपने सामने खड़ा हुआ जैसे कि वो आपके सामने आज खड़ी हैं या खड़े हैं आप उनके बारे में कितना जानते हैं आज तो आप उनको एज अ फादर मदर जो भी एज में अभी देख रहे हैं या जहां तक आपने उनको देखा उस प्रकार से वो आपको दिखाई देते हैं लेकिन अभी हमें जाना है उनके बचपन में तो आज जब वो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको बड़े बूढ़े बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं लेकिन जस्ट ट्रैवल टू द टाइम जबकि उनकी लाइफ की शुरुआत हुई थी अब ऑब्वियसली आपने उस समय को तो देखा नहीं है आपको पता नहीं लेकिन हो सकता है आपको कई बार आपके नाना नानी दादा दादी ने बताया हो कि आपके माता पिता कैसे थे कहाँ पैदा हुई थी आपकी माँ या किस प्रकार से पैदा हुई थी राइट सो जस्ट फील बेस्ड ऑन वॉट एवर आपके नाना नानी ने या दादा दादी ने आपको बताई उस हिसाब से आप उस समय में पहुँचे हैं जबकि आपकी नानी या आपके दादी डिपेंडिंग ऑन आपने मदर या फादर जिनमें से जिनको भी बुलाया है या जो भी आप देख रहे हैं वो उस समय पैदा हुए थे अब जब वो पैदा हुए थे आपको शायद अंदाजा होगा या आपको पता भी होगा या हो सकता है आपने देखा भी होगा या रहे भी होंगे आप अपने नाना नानी दादा दादी के साथ तो आप जानते थे कि आपके नाना नानी किस प्रकार के से थे किस तरह का औहदा उनका था किस तरह का परिवार था किस तरह के लोग थे तो उस समय पे जब आपकी माँ आपकी नानी या दा, जो आपके पिताजी दादा के साथ दादी के साथ जब वो पैदा होने वाले थे जस्ट आप उस समय पे हैं, इमेजिन <coughs> so उस समय जो भी आपको बर्थ डेट आपकी मदर फादर की पता है जो महीने जो दिवस के दिन पैदा हुए उस समय वो पैदा होने वाले हैं और ऑब्वियसली आपके माँ नानी जो है या दादी जो है वो बहुत खुश हैं, आसपास लोग हैं हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो या घर पे हो जहां पे भी पैदा हुए उस समय तो उस समय आसपास का कैसा वातावरण है कितने लोग हैं आसपास जस्ट आपको विजुअलाइज करना है इमेजिन करना है हो सकता है आपके जो भी बड़े लोगों में लोग उस समय थे वो आसपास बड़ी उत्सुकता से खड़े हैं बड़े प्रेम पूर्वक वो उस जगह पे खड़े हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि घर में एक शिशु आने वाला है बच्चा और उसके लिए सब बहुत उत्सुक हैं बहुत प्यार और बहुत दुलार के साथ और जब वो प्यार से अपने जो भी उस नए पर्सन को जो कि फैमिली में आने वाला है उसको वेलकम करने के लिए सब वहाँ पर खड़े हैं उस समय हो सकता है कि आपकी मदर या फादर जो भी हैं, या तो वो पहले अगर फर्स्ट चाइल्ड हैं, तो उनसे पहले उनके भाई बहन नहीं है पर हो सकता है अगर वह दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं, तो उनके भाई बहन भी हो सकते हैं वहां पर सो जस्ट ऑब्जर्व और सब कौन कौन लोग हैं क्योंकि आप एज एन ऑब्जर्वर देख रहे हैं उस समय में उस समय को एक प्रकार से आप वहां विजिट कर रहे हैं और फिर किस प्रकार से उनका जन्म होता है और कैसे सब खुशहाली और उसकी उनके स्वागत में अलग अलग तरह से उस समय जो भी होता था जिस प्रकार की भी चीजें की जाती थी किस प्रकार से उनको व्यक्त किया जा रहा है वो प्रेम पूर्वक उनको घर पे लेके आया जा रहा है अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे प्यार पूर्वक बड़े हो रहे हैं और आसपास अपने भाई बहन के साथ कैसे वो खेल रहे हैं किस प्रकार से वे अलग अलग चीजें सीख रही हैं, या सीख रहे हैं

या कभी ना कभी आपकी नानी दादी ने बताया होगा आपको अगर आप बहुत उत्सुक रहे हैं आपने कई बार पूछा भी होगा कि जैसे मेरे स्कूल में मैं टिफिन लेके जाती थी क्या क्या मेरी मम्मी के पास भी वैसा ही होता था क्या उस समय भी खाने पीने की चीजें वैसी ही होती थी उस समय हो सकता है बहुत सारी चीजें बना के दी जाती हूं या ऐसा भी हो सकता है कि घर पर ही पढ़ाई हुई हो बहुत सालों तक तो जो भी उनका स्कूल था या अगर स्कूल या नहीं था और वो घर पे ही पढ़े थे तो किस प्रकार से पढ़ाई होती थी किस प्रकार से उनको बुलाया जाता था उनके साथ बिठा के उनको पढ़ाया जाता था तो जस्ट सी हाउ उनका टाइम किस तरह से गुजर रहा था खेलने में कूदने में भागने में दौड़ने में कैसे साइकिल या जो भी उस प्रकार के चीजें होती थी उस समय जिन पर वो खेलते थे या जिसको पकड़ के वो खेलते थे कैसे अलग अलग तरीकों से वो भागते थे दौड़ते थे किस तरह के गेम्स उस समय होते थे चाहे वह लंगड़ी है खो खो है एक दूसरे के पीछे भागना है दौड़ना है राइट अलग अलग तरह की साइकिल किस प्रकार की साइकिल्स होती थी उस समय तो जस्ट सी ग्रोइंग अप धीरे 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 आपकी माँ या आप पिताजी को देख रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं सो दे आर ग्रोइंग अप हो सकता है वो एक जॉइंट फैमिली में हो जो बड़ी फैमिली जो बहुत सारे लोग चाचा ताया बुआ मामा मासी कितने सारे लोग कितने परिवार वाले कितने सारे बच्चे कितना बड़ा मैदान कितना बड़ा घर कितना आसपास पेड़ और बहुत सारे जानवर वहां उस समय का वातावरण कितना फर्क होगा और फिर एक समय आएगा जब वो धीरे 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 उस उम्र में पहुंच जाएंगे जहां पर उनकी शादी की बात शुरू होती और शायद वो कुछ शादी में किस प्रकार से आपके पिताजी और माताजी का मिलाप हुआ किसे वो मिले शायद वो एक दूसरे को कभी जानते भी ना हो कभी मिले भी नहीं हो पर किस प्रकार से वो इस बंधन में बंध गए और फिर जब वो उस बंधन में बंध गए तो कैसे वो एक वो नए घर में एक नए कुटुंब में एक नए स्थान पर एक साथ आकर रहने लगे आसान नहीं हुआ होगा एक दूसरे के साथ रहना बहुत सारी एडजस्टमेंट्स बहुत सारी चीजों पे सुनना समझना पड़ा होगा उम्र भी छोटी होगी लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे भी किसी भी तरीके से बहुत सारी चीजों को सीखा समझा जोड़ा परखा सो जस्ट लुक एट द एक्सपीरियंसेस उन्होंने गैदर किए एक साथ रहते हुए इतने बड़े परिवार में इतने बड़े सारे लोगों के साथ किस तरह से आपकी माँ आपके पिताजी ने चीजों को हैंडल किया छोटी सी उम्र में ही कैसे उन्होंने बाहर जाके काम करना शुरू किया किस प्रकार से घर में पैसा जोड़ना जोड़ के पैसे को बांटना कैसे सामान खरीदना और फिर उनके प्यार एक दूसरे से लिए बड़ा और फिर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हमें एक साथ सेटल होना है एक साथ एक बच्चों को जन्म देना है और आगे बढ़ना है और फिर एक समय आया जब के उन्होंने भी वही न्यूज़ आसपास लोगों को और अपने परिवार वालों को बताई कि किस प्रकार से एक शिशु का जन्म होने वाला है और कैसे वो उत्सुकता वहां वहाँ पर परिवार में अंदर भी होगी और कैसे ये एक नया एक्सपीरियंस था आपकी माँ के लिए और पिता के लिए जहां पर वो थोड़े डरे भी होंगे घबराए भी होंगे थोड़ा सतर्क भी हुए होंगे उन्हें थोड़ा पता भी नहीं होगा कैसे वो ये सिचुएशन को कैसे वह ये चीजों को हैंडल करेंगे क्योंकि उनके लिए ये सब चीजें तो नहीं थी पहली बार हो रही थी उन्हें इस पे कुछ पता नहीं था लेकिन फिर भी आसपास वाले लोग उनके परिवार वाले लोग उन सब ने मिलजुल के उनको मदद की होगी इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने में और फिर वो समय आएगा जब के आप पैदा हुए और जब आप पैदा हुए तो जो भी हॉस्पिटल जो भी जगह जिस भी स्थान पे आपका जन्म हुआ जिस दिन भी जिस समय पे कैसे जब आपकी किलखारी आवाज सुनाई दी होगी तो कैसे उनके मन में एक सुकून एक चैन एक प्रकार का प्रेम उमड़ आया होगा और कैसे वो आपको देख रहे होंगे अपने हाथों में पकड़कर आपके छोटे छोटे हाथ आपका मुंह आपका शरीर कितना सुंदर कितना अच्छा उनको लग रहा होगा और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना प्यार आप सब में बांटना शुरू किया और धीरे धीरे आपकी ज़रूरतें आपके रिक्वायरमेंट्स आपको जो चाहिए वो सब पे ध्यान देते देते उन्होंने आपको बड़ा करा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि आप भी स्कूल गए आप भी अपने साथ टिफिन लेके गए आपने भी शायद साइकिल चलाई या बस में गए और फिर एक समय आया जब आप कॉलेज और कॉलेज के बाद आप यूनिवर्सिटी और फिर वही समय जब आपकी शादी का समय आ गया और आपकी शादी हुई और आप दूसरे घर में गए और फिर एक दिन आपने भी एक शिशु को जन्म दिया अब आपके इस हाथ में एक बच्चा है एंड जस्ट लुक एट द सेम पिक्चर जब आप अपनी माँ के हाथों में थे सो यू बोथ लुक सिमिलर दोनों की स्थिति दोनों की परिस्थिति भले ही फर्क भी हो परिस्थिति लेकिन फिर भी एक सिमिलैरिटी है बोथ आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू जो कि उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया एज अ मदर सो जब आज आप अपनी माँ को वैसे देख रहे हैं विद यू इन हर आर्म्स एंड यू होल्डिंग योर चाइल्ड इन योर आर्म्स टुडे यू कैन लुक एट योर मदर विद द एडल्ट आई अभी तक जो भी आपके मन में विचार रहते थे जहाँ पर आपने सोचा कि आपकी माँ आपके पिताजी कितने कमज़ोर कितने नासमझ कितने अल्लड़ थे कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था लेकिन जब आप आज अपने आप को वही सिचुएशन में देख रहे हैं वही बच्चों को पकड़े जहाँ आपको भी बहुत कुछ पता नहीं बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ समझना है और बहुत कुछ नया है आपके लिए तो आप आज देख पा रहे हैं अपनी माँ को वही आंखों से जो आंखों से वो आपको देख रही सो जस्ट लुक एट योर मदर विद द एडल्ट आई लुक एट योर फादर विद द सेम फीलिंग वॉट यू एंड योर हजबेंड आर एक्सपीरियंसिंग नाओ यू जो आप सोचोगे वो विल बी एज अ वाइज पर्सन ऐज अ पर्सन जो उस चीज़ों में नहीं जाएगा जहाँ पे वो अटका हुआ था उस पास्ट में जहाँ उसके मन में बहुत सी शिकायतें थी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी बहुत सा ऐसा दुख था या दर्द था या ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों हुआ आज जब आप उनकी तरफ देख रहे हो तो यू आर वॉचिंग इन प्रेजेंट स्लोली स्लोली जस्ट फील दैट लव टुवर्ड्स योर पेरेंट्स वेर एवर दे आर बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड देम यू नो दैट जो भी उन्होंने आपको दिया आपके लिए किया दैट वॉज इनफ एंड यू विल ऑलवेज मेक कुछ ना कुछ करेंगे जो भी आपको मिला वो आपके लिए बहुत था वो उतना ही दे सकते थे उतना ही उनके पास था और उन्होंने उतना ही अपनी तरफ से दिया तो जैसे उन्होंने आपको दिया आप अपने बच्चों को दे रहे हैं उसी प्रकार से जीवन की क्रिया आगे बढ़ रही है बड़े छोटों को देते हैं फिर छोटे बड़े होकर और छोटों को देते हैं और इसी प्रकार से जीवन का जो सर्कल है वो आगे बढ़ता है सो so फिर इसी ग्रेटफुलनेस uh, के साथ गोइंग डाउन टू योर पेरेंट्स आप धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे लगा के हाथों को मल के आंखों पे लगा के आप अपनी आंखों को खोल सकते सो आई होप आप लोगों को आई नो आई कुछ सी कारगी बहुत रो रही थी इट्स नॉट इजी थिंग Uh, मुझे खुद बोलने को मुश्किल होता है बोलिए so... yes, yes, sure. uh, मैम, जब आपने बोला कि मतलब उनका बचपन देखो, तो मुझे दो साल का ऐसे ही छोटा सा बच्चा दिखाई दिया दो तीन साल का hmm. और उसके बाद में मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे मतलब उन्होंने कोई इंसिडेंट बताया था कि वो दो तीन साल के थे अपनी दादी जी के साथ में थे तो हमारे घर में मतलब डाका uh, भी पड़ा था तो मतलब मेरी बुआ जी की शादी थी तो बहुत सारे डाकू आए थे उस टाइम पे तो uh, पर मुझे वो सब कोई इंसिडेंट नहीं दिखा आई जस्ट सो हर टू ईयर ओल्ड टू थ्री ईयर ओल्ड बॉय एंड आई जस्ट कुल्फ इट वॉज लाइक इट वॉज बोरिंग मैं ही नहीं पा रही थी अपने आप को और वो चेहरा जा ही नहीं रहा था आई हैवन सीन दैट फेस बच्चे का पर मैं एक बच्चे का फेस दो तीन साल का एंड बस रुक 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 नहीं या सो मे बी यू आर स्टक इन टाइम इन योर इमोशंस देयर सो इट्स गुड के हम इमोशनल um, होते हैं लेकिन समवेयर वी हैव टू मूव अहेड इन लाइफ राइट है ना सो so, हम्म वो चेहरा कभी देखा नहीं पहले मैंने बस अज्यूम मतलब आपने कहा कि देखो पुराना तो आप और पीछे ले जा रहे थे पैदा होने से पहले पर समवेयर वो अपने आप ही चेहरा छोटे बच्चे का आया एंड आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड क्राइंग आई डिड आई हैव उसका कोई ना कनेक्शन है ना उसका कोई इंसिडेंट है ना कुछ है ना कुछ है आई मीन आई डोंट नो व्हाई व्हाई इट हैपेंड मे बी आई वाज देयर दादी लास्ट जन्म आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड मैं बस हो गया शुरू उसके बाद मैं बहुत ज्यादा जितना फॉलो कर सकी करा एंड आई ऑलवेज हैव अ गुड रिगार्ड फॉर माय पेरेंट्स हमेशा से ही सो दैट वाज नेवर अ प्रॉब्लम बट इतना अपने आप से ऐसा क्यों हुआ आई एम लाइक सरप्राइज्ड कि मेरे अंदर ऐसा कोई इमोशन है ही नहीं उनके लिए ऐसे मतलब कि रोने वाले सो uh, uh, जो भी देखो अभी क्या होता है हमको ऐसा लगता है कि हमको बहुत सी चीजों का पता नहीं होता या हमारे अंदर वो मेमोरीज नहीं है राइट सो एज एज इट इज कि थ्रू डी एन एफको ये तो आपके पेरेंट्स हैं बट फिर भी पेरेंट्स चाहे प्रेजेंट लाइफ में भी हैं तो भी आप उस समय तो पैदा नहीं थे या उस समय तो प्रेजेंट नहीं थे कि वो छोटे बच्चे थे राइट सो कहीं ना कहीं वो जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया या उनके पेरेंट्स ने एक्सपीरियंस किया या किसी ने भी एक्सपीरियंस किया है वो थ्रू uh, सुने होंगे पर आपको ऐसा लगेगा कि uh, उन्होंने आपको कब बताया कभी आपने ऐसा सुना नहीं ना आपने उनकी ऐसी फोटो देखी है कि वो दो साल पे कैसे दिखते राइट right? लेकिन जब आप आज वो देखोगे ना तो आपको वो कनेक्शन दिखाई देगा वो सेम पेज पे फोटो भी दिखाई दे जाएगी हो सकता मतलब इन द सेंस के वेन इट इज़ सेट कि जब हम अब इवन अपने माँ के पेट में भी होते हैं तो माँ का कहीं ना कहीं कनेक्शन उनके मदर से होता है सो so, इवन जो तीन जनरेशन्स का जो भी ट्रॉमा है जो भी एक्सपीरियंस है चाहे वो इवन हमारी नानी का है या दादी जो आई uh, मीन I mean, नानी का है दादी का है वो उनसे दादी बिकॉज वो तो खैर फादर के थ्रू बट वो भी हम कहीं ना कहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए आ रहे हैं सो इट इज नॉट दैट हम ये हमारी नानी है नॉट इवन आर मदर तो मदर के पेट में तो हम है हीस तो हमको उतना तो ट्रामा या जो भी हमारी मदर ने एक्सपीरियंस किया वो हमको वैसे भी पता होता है या हमको उसकी समझ होती है या हमको उसको महसूस किया होता है राइट right? करेक्ट लेकिन आप इवन जब आपकी नानी ने भी जो एक्सपीरियंस किया वो भी आप उस उसका भी नॉलेज आपके अंदर होता है mm -hmm. राइट right? so, एक मैम एक क्वेश्चन है कि वो मैंने उन्हें ना रोते देखा ना sad देखा ना कुछ सिर्फ एक छोटा बच्चा देखा एंड व्हाई आई स्टार्टेड क्राइ मतलब कौन से फीलिंग्स आ गई मेरे अंदर क्या आ गया कि मेरे से अभी भी बस मतलब ही वाजंट क्राइंग ही वाजंट sad ही वाजंट लाइक नॉर्मल एक बच्चा एंड व्हाई आई स्टार्टेड लाइक आई डोंट नो सो ओके टेल मी जैसे कि आज आप क्या बेसिक नेचर बहुत फ़ियरफुल हो आप डरते हो आपको uh, ऐसा uh, जैसे सपोज किसी के घर में चोरी हुई है किसी के घर में डाका डाला है राइट करेक्ट सो इट्स नॉट समथिंग के जहाँ पे कोई डरेगा नहीं या कोई एकदम से चौकन्ना नहीं हो जाएगा या उसको सो so क्या आपको ऐसा डर लगता है कि आप घर छोड़ के जा रहे हो या घर बंद कर रहे हो तो चीजें संभाल के रखी हैं या नहीं रखी हैं, बंद की है कि नहीं की है कोई आ तो नहीं जाएगा गराज खुला रह जाता है मैं बंद करना भूल जाती हूँ आई एम नॉट दैट मच इन टू की मेरी चीजें भी कई बार बाहर पड़ी रहती है क्लीनर्स आते हैं काम कर जाते हैं तो आई एम नॉट एक दो बार चली भी गई है तो आई एम नॉट दैट मच

फिर आप पीछे ले जा रहे थे तो फिर मुझे लगा कि दो साल का बच्चा मैंने ऐसे ही दो साल का बच्चा सोचा फिर आप उसके बाद तो कंटिन्यूशन में पीछे ले जा रहे थे तो दो साल का बच्चा वो स्टक हो गया मेरे दिमाग में मतलब एक व्हाइट कलर की शर्ट छोटा सा निकर आंखों में काजल आई मीच अज लाइक इट केम टू इमिजिएटली इट केम एंड आई आई राइट

सो आई एम आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू इट इन दैट सेंस लेकिन मे बी एज वी गो फर्दर जस्ट ट्राई टू आप इस पर uh, अभी जैसे आपने बोला कि आपको वो लड़का दिखाई दिया एंड uh, काजल लगाए तो आपको अगर वो आपके फादर ही हैं आपको अगर ऐसा लग रहा है जो दो साल का आप एज अ पर्सन देख रहे हो तो वॉट इज़ द टू ईर्स थिंग जो कि आपको उनसे अटैच कर रहा है

बस so पता आप नहीं, पर दादी कोशिश करते हो आज जो आप कोशिश करते हो कि अपनी चीजों को ऐसे छोड़ जाओ चीजों को ध्यान नहीं दो राइट आर यू ट्राइंग टू बी लॉयल टू योर दादी कि यो दादी बिकॉज you know, uh, उन्होंने फैमिली में इंस्ट्रक्शन दी सबको कि नहीं ऐसा होना चाहिए डरने की जरूरत नहीं है सॉरी मैम शी इज नॉट माई दादी इट वॉज माई फादर्स दादी इन दिस इंसिडेंट है so I feel maybe I am my father's दादी soul मतलब I don't know why I heard this मतलब मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कहीं मैं वही तो नहीं but I'm not sure my father's दादी भी हो सकते हो ऐसा नहीं है आप वो हो सकते हो उसके अलावा आप हो सकते हो जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि दादी फेल्ड के जो भी लोग हैं फैमिली के अंदर मतलब उनकी दादी नॉट योर दादी राइट 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 बच्चों को मजबूत होना चाहिए बच्चों को डरना नहीं चाहिए और होना चाहिए राइट कहीं ना आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे मैं मैं तो दादी की ना, मैं दादी, की, uh, दादी दादी right? दादी ना 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 दादी की की प्रिय ना आई एम क्लोजर टू लव्स मी राइट और मेरे को अगर बिलोंग करना है मेरी फैमिली को तो फैमिली का रूल है कि बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है बच्चों को बिंदास रहना है बच्चों मैं को मैं माफी चाहता पूजा में जाना है नवरात्रि है तो आ, हाँ आ, है, 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 हाँ ठीक है मैं रही है राइट सो समवेयर आपने वो लाइफ का वो ही अपना लाइफ में मोटिव बना लिया है कि मुझे चीजों को संभाल के रखने की जरूरत नहीं है कोई कुछ नहीं कर सकता कोई कुछ ले जा ले जा नहीं हाँ। आप ये फॉलो कर रहे हो अनोइली आई डोंट नो मतलब मुझे ऐसा नहीं है बस कई बार रह जाता anyway, है तो मतलब ठीक है कोई the, बात नहीं ड्यूरिंग द क्लास सिंस आपने तो कोर्स ज्वाइन भी किया है ड्यूरिंग दिस वी विल डू द सेशन एंड वी विल ट्राई टू सी के व्हाट इज द अंडरलाइंग पैटर्न व्हाई यू फेल्ट इन दैट पर्टिकुलर रीजन मे बी देर इज यूर कनेक्टिंग टू सम पार्ट डीएनए से आ रहा है मैम माय फादर इज वेरी बोल्ड वो कहीं भी कूद जाते मतलब ही ही इज लाइक ही इज वेरी बोल्ड तो आई डोंट नो डीएनए में शायद कहीं कुछ हो ठीक है उसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन, नहीं। उसमें कोई बुराई नहीं नहीं है है लेकिन आप इमोशनल 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 हो रहे ना उस को लेके राइट right? हाँ जी हाँ जी तो पता नहीं नहीं क्यों नहीं। हुई मैं तो हाँ। तो कुछ कुछ ऐसा चीज है जो आपका उसके ऐसे इवन इवन आई 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 वाज वेरी बट नो हैव माय रता, रतन जी, पासिंग अवे। मैं तो oh. बहुत, दो दिन सेन सर्टन इन एन इमोशनल स्टेट ओनली सो जब आप कोई चीज ऐसी कर रहे हो तो सडनली वो वैसे ही ट्रिगर कर रहा है आपको क्योंकि यू आर सो मच कनेक्टेडीज पासिंग अवे और गोइंग यू नो और मे बी एजिंग और बिकमिंग ओल्डर आई एम आई एम गेटिंग मतलब कौन पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं इसलिए नहीं वो नहीं है रीजन पता नहीं बच्चे से शायद मेरा मेरा भी सन से मैं कहने आई डोंट नो बच्चे को आते ही मैं बस क्या हुआ मुझे नहीं पता आई डोंट नो क्या हुआ मुझे आपको आपके बच्चे के साथ कैसा लगता है अब मेरा अटैचमेंट है काफी अटैचमेंट है मेरे सन से एंड आई फील ही इज ऑन माई फादर

Uh, कई फैमिली में ऐसा होता है कि हम फादर का नाम देते हैं कई लोगों को uh, पहले जनरेशन में कुछ जो लोग आए होते हैं उनका नाम देते हैं कई बार हम कुछ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज का नाम भी देते हैं कभी कभी ऑफ कोर्स भगवान का नाम तो हम लोग में होता ही है पर क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर नाम देते हो तो नाम के साथ भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर असाइंड है एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी असाइंड है तो कहीं ना कहीं आप उस जने को उस बराबर उस तरह से बनने पे मजबूर कर रहे हो

Maybe there is some point, या हो सकता है आज के दिन ही आपको कुछ चीज लग रही होके right? uh, okay, uh, so, नमस्ते नंदिनी जी कैसे आप नमस्ते मैम ओके गुड इवनिंग नो दर वॉज असुडे I don't know, लोग ने क्या रही थी अचानक देखने से एक लिंक था देन आई थोट लेट मी चेक फर्स्ट मैंने कोच भी लिया की hmm. क्लास खत्म हो गया बोल के आई आज मैडम इज देर अस आई थोट लेट मी चेक एंड आई जस्ट एंटर क्लास हाँ आई डेंट इसके बाद मैंने अपना मोबाइल पे देखा नहीं है मैंने इनफैक्ट uh, fact, मैंने ही सोल जर्नी पे और दूसरी जगह पे डाला बिकॉज आई थॉट के एटलीस्ट uh, देख दे, uh, दे, दे, लोग देख लेंगे ओके ओके मैम बट ये इलेवेंथ का तो बहुत दिनों से आ रहा है फाइव थर्टी का आई डोंट नो मैम इन एनी ऑफ द ग्रुप्स दैट आई एम But anyway, till yesterday I was also busy. All the rituals got over by yesterday. Ah, you are busy for um, the rituals. But haan. otherwise, all groups are there. All groups are there. Eleventh October. Ka. Doesn't matter anyway. Uh, so, अभी okay. हमारा class जो होएगा वैसे it will be on Monday and uh, Wednesday. I think they have kept the time as four. Which class, ma'am? No? जो एफ़सी का वैसे अगर जो ज्वाइन करेंगे ना क्लास ओके ओके ओ देन इट विल बी मंडे वेडनेसडे वन मोर मंथ विल आई आईल हैव संगीता मैम्स आकाशी कॉल्सो सून आफ्टर योर क्लास आकाशी कॉल्सो अच्छा या फाइव थर्टी मंडे वेडनस्टे वी आर वी आर हैविंग संगीता मैम्स आकाशी क्लास आल्सो Hmm. Ah, that's why 5:30 batch is available. Us time pe. Because ah. uh kisi ko Sunday, ko tha na, they didn't want it on Sunday. So oh, when okay. I asked for the weekday, they said on the weekday, Monday and Wednesday is available, but 4 o'clock. Oh. But ma'am, 4 o'clock. Your classes will not end by 5:30. Usually. And this concept I definitely needs some extra time even mm -hmm. if after one month Mahakashi um, classes will be over anyway this FC has been postponed that is better ma'am I mean I know like you know in these concepts uh, the, uh, all the students will ask you some questions then you will fall short of time hmm. uh, yeah but how do we do I yeah Mm -hmm. Then what time wow. is possible? मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन किया नमस्ते। वो संगीता तो मैं अच्छा आ, नहीं मैं हूँ तो गुरु ज्ञान से लेकिन मेरे को लगा शायद आपने ही वो शायद नहीं। नहीं।, नहीं नहीं वो संगीता मैम का है गुरुजी के डांस से आकाशिक मतलब संगीता मैम अच्छा मैंने अभी मैं आई एम आई एम द न्यू ना इसमें तो आज मुझे ये सिर्फ फीलिंग मिला था दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग हां कोई बात नहीं तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा और इसका क्या मतलब क्या क्या, क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्या है इसका ना हाँ सो so बेनिफिट आपको ये मिले नहीं कांसेप्ट तो बहुत बड़ा है इसका तो अभी तो हमारा क्लास खत्म हो गया है आ, आप इसका वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो कांसेप्ट मैंने तो... स्टार्टिंग से देखी आपकी क्लास में 5:30 से ही थी क्लास में <laughs> ओके okay, सो so आपको फाइव थर्टी से मतलब अभी तक आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि मैंने इसमें कंसेप्ट बताया नहीं आपको नहीं नहीं कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अगर हम इसको अगर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं तो क्या क्या आप किस तरीके से क्या चीज का प्रोसीजर होगा और क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे तो वो चीज पूछना चाह रही थी राइट हाँ तो आप इस बेसिकली जो ये फैमिली कॉन्सलेशन की जो थेरेपी है उसमें क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन्स होते हैं किस तरह से हम फील्ड की रचना करते हैं किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ किया जाता है किस प्रकार से किस तरह के इशूज को कैसे हैंडल किया जाता है उसका डेमोस होंगे जब आप पर्सनली उसको हैंडल करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे किस प्रकार से चीजें चलती हैं राइट right. राइट तो बेसिकली जो भी उसका थ्योरी पार्ट है का पहले वो सिखाया जाएगा जब आप थ्योरी पार्ट को समझ पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या उसका मतलब क्या है हर चीज का क्या मतलब है हर चीज का सही तरीके से ना होने से क्या उसका रिजल्ट होता है फैमिली के ऊपर राइट right? जैसे कि अभी आप एंसेस्टर कर्स भी बोल रहे हो अगर आप ये भी बोल रहे हो कि आपकी फैमिली में जितने भी भाई बहन हैं उनको उनके साथ इश्यूज राइट right? तो आप ये इशू को लेके एक पर्टिकुलर जने के पास जाओगे बोलोगे कि मेरे को ये इशू है मेरी फैमिली में कोई भी बढ़ नहीं पा रहा है सबके सब जो है उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ये एनसेस्टर्स के थ्रू आ रहे हैं राइट right? तो वो क्या करेगा फिर वो आपकी बोलेगा कि ठीक है कि well family, right? तो आपकी इंटेंशन है टू फाइंड आउट कि व्हाई नोबडी इज डूइंग वेल इन द फैमिली राइट तो चलिए आपकी फैमिली के लिए वी विल सेट अप अ फील्ड तो उस फील्ड के अंदर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको अलग-अलग पोजीशंस -अलग पे रखा जाएगा उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग-अलग मेंबर्स -अलग होंगे और फिर हर जने को कैसा महसूस हो रहा है क्या वो फील कर रहा है उस हिसाब से वो किधर से क्या चीज़ ट्रैवल कर रही है क्या दिख रही है कौन से एक्स फैक्टर्स हैं कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हैं कौन सी चीज़ें हैं जहां पर वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं चाहे इन टर्म्स ऑफ कि भाई अगर कोई फैमिली में कोई और जना था जिसके साथ परिवार में कभी अच्छा नहीं हुआ या कोई ऐसा जना था जो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ हो सकता है कोई ऐसा जना किसी उसके साथ जुड़ा हुआ हो तो अलग अलग चीज़ें निकल के आती हैं बहुत सारी पर वो चीज़ें आप कैसे देखते हो उनका क्या मतलब होता है हर एक शब्द का क्या मतलब होता है राइट right? चाहे वह हिडन हो चाहे वह एंटेंगलमेंट हो चाहे वो जैसे आप जैसे आप आकाशिक सीख रहे हो तो आप जब सोल के लिए जा रहे हो राइट right? आप रिकॉर्ड्स देखने को जा रहे हो राइट right? तो एक प्रोसेस है आपका रिकॉर्ड तक पहुंचने का जब आप रिकॉर्ड को देखते हो या रिकॉर्ड आपके साथ तो उसमें जो वर्ड्स हैं या जो भी आपके सामने सिंबल्स आ रहे हैं या कोड्स आ रहे हैं या जो भी डिस्क्राइब इमेज आ रहा है उस बेसिस पे आप बोलते हो कि भाई इसका मतलब क्या है मैम ये क्या ये क्या दर्शा रहा है राइट फिर वो धीरे धीरे आप उसको कंस्ट्रक्ट करते हो उसको उससे समझते हो कि क्या वो चीज बोल रहा है राइट तो उसी प्रकार से जब आप ये सेशंस करते हो तो इस सेशंस में आपको कहीं जाना नहीं होता है आपका यही फील्ड है यही आपकी दुनिया में ही यहीं पर बैठे हुए ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको कोई आकाशिक में जाने की जरूरत नहीं होगी इट इज बेस्ड ऑन फैमिली कंसलेशन इज आल्सो मूवमेंट ऑफ सोल सो जो भी, soul भी सोल का तो जैसे तो, मैं नए नहीं, नहीं हूं तो आई कैन डू हाँ सब पहली बार ही कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है जिनको ऑलरेडी पता है लेकिन ये बिगनर्स के लिए है पहला क्लास मतलब जो ये सीखने वाले हैं वो वही लोग हैं जो कि अभी शुरुआत करेंगे भले ही इसमें कुछ लोग ऐसे भी ज्वाइन हो जाएं जिनको पहले से ही पता है वो अलग बात है लेकिन ये बेसिकली स्टार्टिंग से ही शुरू हो रहा है ओके okay. कुछ होता है ना चेहरे को थोड़ी सी टफ होती है तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, थोड़ा लग रहा है सुनने में तो थोड़ा टफ सॉरी क्या कह रहे हैं मैंने कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है और थोड़ा सा आ, एक्सपीरियंस की ज्यादा जरूरत होती है आपको बताया ना कि ये एक बहुत सिंपल थेरेपी है सिंपल इन द सेंस इस तरह से सिंपल है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बाहर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ आपको स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी चाहिए या किसी प्रकार का ऐसा कोई चीज़ चाहिए कि कुछ चीज़ बताने के लिए अगर आप एक नॉर्मल सेंस भी कर सकते हो एक नॉर्मल इमोशन को भी कैच कर सकते हो आप एक नॉर्मल फील्ड के अंदर खड़े होकर सिर्फ उस अपने अंदर एकाग्रता ला सकते हो उतने में ही आपको जो भी महसूस हो रहा है आप वो बताओगे फिर वो उस हिसाब से फैसिलिटेटर उसको आगे बढ़ाता है समझ गए वेलकम सॉरी कौन बोल रहा था yeah. किसको uh, प्रमिला को क्या है टेक अदर पर्सन एक्सपीरियंस आल्सो चलिए आई थिंक किसी और को कुछ पूछना नहीं है राइट right? मैम हाँ बोलो uh, इस ये जो हम कोर्स करेंगे इसमें सिर्फ थ्योरी कवर होगा या प्रैक्टिस भी होंगे थ्योरी और प्रैक्टिस तो होगा ही अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप कैसे समझोगे ना तो अच्छा। so, पहले आपका थ्योरी होएगा उसके बाद आपका प्रैक्टिस होगा ओके okay. और जैसे ये ना कोर्स बोल रहा है फाउंडेशन फाउंडेशन है तो मीन्स ये बेसिक है तो इसके बाद कोई एडवांस आने वाला है आप हाँ तो <coughs> यूजुअली <Sorry. coughs> so क्या होता है सॉरी <coughs> जो फैमिली कॉन्स्टलेशन होता है उसके लेवल्स होते हैं अलग अलग ओके सो Uh, क्योंकि उसमें जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो स्ट्रोंग होना चाहिए उसके साथ साथ आपको जितना आप एक्सपीरियंस करोगे जितना आप उसको प्रैक्टिकली भी करोगे उतना आप बेहतर होगे तो अगर आपको सब कुछ पहले एक ही बार में सब कुछ दे दिया जाएगा इंक्लूडिंग एज अ फैसिलिटेटर जो करता है तो इट इज़ नॉट राइट ओके तो इसके लिए उन्होंने यूजली वर्ल्ड वाइड इन फैमिली कॉन्सुलेशन अलग अलग लेवल्स हैं लेकिन अफकोर्स हम लोग इसके अंदर मोस्टली वी विल कीप ओनली टू लेवल्स सो ये ये फाउंडेशन लेवल है जिसमें कि आपका ज्यादा से ज्यादा इनफैक्ट एक्चुअली कवर होगा ओके okay. पर उसके बाद देर इज ऑल्सो ट्रेनिंग फॉर द फेसिलिटेटर है ना सो वो ट्रेनिंग वो जो होगा वो अलग लेवल पे आएगा बिकॉज इन द इनिशियल लेवल ओनली वी नॉट गिव यू एवरीथिंग

बट आफ्टर दैट अगर हमें प्रैक्टिस करनी हो या रिप्रेजेंटेटिव अगर रिप्रेजेंटेटिव हमें कहीं जाना हो सो so दैट हमारी हीलिंग कंटिन्यू रहे तो हुँ. उसके लिए आ क्या मतलब कैसे करना होगा वो तो यूजुअली जो फैमिली काउंसलिंग्स होते हैं ना उनके काफी ग्रुप्स होते हैं ओके okay? ये एकेडमी में नहीं आउटसाइड बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ओके okay? और Facebook के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो और जिनके भी सेशंस होते हैं ना जो लोग भी सेशंस करते हैं तो वो लोग आपको एज अ फ्री रिप्रेजेंटेटिव चांस देते हैं तो आप उनके सेशंस में ज्वाइन कर सकते हो चाहे आपने उनसे सीखा है या नहीं सीखा है okay. उससे फर्क नहीं पड़ता है सो देर आर मेनी ग्रुप्स लाइक दैट बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऐसे जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ फ्री रिप्रेजेंटेटिव तो जब जितना आप ज्वाइन करोगे जितना आप उसमें ग्रुप्स में जॉइन मतलब कॉन्सलेशंस करोगे अलग अलग क्लाइंट्स के लिए वो जो करते हैं तो उसमें वो आपको कुछ पे नहीं करते हैं तो ना आपको कुछ देना होता है लेकिन आप उसमें एज अ पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करते हो एज अ रिप्रेजेंटेटिव और फिर आप धीरे धीरे बहुत सी चीजें सीखते हो उसके दौरान क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आपको एक्सपीरियंस आता है ना उतना कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर ओके okay. क्यों आ, आ रही है मनी से रिलेटेड भी कर सकते हो पर मैं सिर्फ वही बोलूंगी कि आप ये पहले से प्रिज्यूम करके नहीं चल सकते हो कि मुझे मनी का प्रॉब्लम है तो फिर एनसेस्टर से ही आ रहा हूँ या मेरे फादर से नहीं। 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 या मेरे इससे आ रहा होगा राइट सो बेसिकली आप अलग अलग चीजें रिप्रेजेंटेशन के लिए डालोगे yes. तो उसमें मनी का भी डालोगे ओके okay, मनी को भी कोई रिप्रेजेंट करेगा फिर वो जो मनी एज अ मनी वो महसूस कर रहा है क्या फील कर रहा है वो वो जना बताएगा राइट okay, okay. फिर वो कहाँ से आ रही है किससे आ रही है क्यों आ रही है तो ऐसे करके धीरे धीरे okay. बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती तो मैम अभी डेज तो फाइनल नहीं हुआ क्योंकि मुझे बताया गया था कि मंडे और वेनेसडे होगा तो अभी आप एक और बार बात करेंगे ना डेज फाइनल करने के लिए तो क्योंकि मुझे आना है कोर्स में ना तो हाँ आपका क्या नाम है निकिता निकिता ना ओके सो आपका नंबर है ना आ, राइट आ, आप ऑलरेडी इसमें हो गुरुजी के अंदर हाँ नहीं ओके तो नहीं एक्चुअली क्या है मंडे और वेडनेसडे को फोर फोर का टाइम बोला है उन्होंने राइट right? पर uh, मेरे को जो वो नंदिनी जी बोल रही हैं वो करेक्ट बोल रही हैं कि हमारा क्लास यूजुअली एक्सटेंड ही होता है और प्रैक्टिकल अच्छा। सेशन होगा और सबका सेशन होगा मतलब थोड़े टाइम बाद होना शुरू होएगा तो वो ऑब्वियसली uh, उतना टाइम चाहिए होता है तो uh, अगर मैं चार बजे का लूंगी और साढ़े पांच बजे दूसरा क्लास शुरू हो रहा है तो फिर मेरे को वो टाइम नहीं मिल पाएगा उतना तो मुझे आ, या तो साढ़े पांच बजे का एक तो टाइम है फ्राइडे का अवेलेबल दूसरा दिन का जो डे है वो सैटरडे अगर चलेगा सबको सो फाइव थर्टी का मैं सैटरडे का उनसे पूछ लेती हूँ okay. और मैम कितना एक एक क्लास में कितना हमें एवरेज टाइम लगेगा तो मैं है ना एक्चुअली क्या मेरा छोटा बच्चा है तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है देखो आप एटलीस्ट अगर फाइव थर्टी क्लास शुरू होता है तो सेवन थर्टी पे दूसरा क्लास शुरू होता है ओके राइट सो फाइव थर्टी टू सेवन थर्टी तो जाएगा ही ना वो मतलब okay. वो तो टाइम होएगा ही फाइव टू सेवन ओके राइट right? सो so, एक तो आज हमने फ्राइडे जैसे लिया है तो फ्राइडे का हम रख लेते हैं और अभी अगर कल मिल रहा है तो फिर इसका मतलब फिर वो कल ही शुरू होएगा क्योंकि ऑलरेडी वो स्टार्ट अच्छा हो गया है।, है तो आपको उस हिसाब से बात करके रखना पड़ेगा नहीं तो फिर क्या होता है फिर थोड़ा टाइम पीरियड जाएगा ना तो फिर वो किसी और को अलॉट हो जाएगा नो no तो प्रॉब्लम मैम उनको एंड्रोल वैसे भी करना ही है उसको ठीक okay. uh, और कौन किसको और कुछ पूछने का है आई थिंक सबके आंसर्स हो गए राइट right? किसी को और कुछ पूछना नहीं है ना थैंक यू ओके ठीक है फिर आई लेट यू नो मैं uh, बताती हूँ आप लोग हाँ मैम ये ये कॉर्ड कटिंग का क्लास था ना <laughs> तो सु, सुवर्ण आना मैं सुबह अभी मॉर्निंग ना वो सुबह है ना चुवे? तुमने तो 11 बजे क्लास रखवाया उसका हुँ? हाँ, तो मैंने भी, भी।